सेकंड लग गया था जी सर, सेकंड लग गया हुआ है। मैं चेंज करता हूँ उसको तो सेकंड चेंज होता जाता, थर्ड नहीं लगता, वही कलर चेंज हो जाता सेकंड का। अच्छा, ये इतना हो गया आपका? जी सर ये हो गया। उसके बाद आप एक बार इसकी कॉपी पेस्ट कर लें कंट्रोल सी वी से, ये देखें इसकी। सर पेस्ट भी इसी जगह पर करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये हो गया कॉपी पेस्ट। ठीक है, डुप्लीकेट नाम आ गया उसी तरह का, जी आ गया इस तरह का डुप्लीकेट। हाँ जी, उसको ये ऊपर ही पड़ा हुआ है इसके, मैं इसका जो है ना कलर खत्म कर लेता। वाह, इतना वो एक जो पहले वाला वो कितना गया? किस चीज का पोस्टर? सर आपने अभी कॉपी पेस्ट किया ना तो दो आ गए थे, तो अब जो एक वो कितना गया? साथ वाले रूम में गए उधर बैठे हुए। हाँ जी, साथ वाले रूम। ये नान एक ही मैंने किया है कॉपी पेस्ट, इस तरह था ये, देखें ये हो गया कॉपी पेस्ट इसका सेम। ठीक है सर, वो ये अंदर जो आ जाता है रेड कलर खत्म हो गया, ये कैसे किया सर आपने? ये देखें आपके राइट साइड पे जो कलर्स आ रहे हैं ना, या राइट साइड पे आ रहे हैं या नीचे भी आ रहे हैं, जो फील्ड कलर है आपका, फील्ड कलर इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें, इधर से इसे अनचेक कर दें कलर को जो है ना, ये लास्ट वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन जी जी, ये करके इसको ओके कर दें, ये कलर खत्म हो गया। सर ये जो फर्स्ट वाला करना है या सेकंड वाला, जो कॉपी पेस्ट किया था सेकंड वाला उसको करना है या फर्स्ट वाले को करना है? सेकंड वाले को कर लें, सेकंड वाले को कर लें, ऊपर वाला जो है उसको पकड़ के कर लें। अच्छा, जी हो गया ये, इसका कर लें, थोड़े नीचे जाए F12 कर लें या इधर से कर लें, जो आउटलाइन पेन है आउटलाइन कलर है उसकी विड्थ ज़्यादा कर लें, इसकी डबल करें, कलर कोई और कर लें, इसको येलो सा कर लें या ग्रीन सा कर लें। ठीक है, इसको करें ओके, ये इस तरह आ जाएगा आपका। ठीक है जी सर, जी सर। और इसको आपने रखना है सबसे नीचे, ये देखें इधर ले आए आप, ऐसे ले आए या आप इसको सेंटर कर लें। ठीक है सर, वो सेंटर कैसे होगा? सेंटर कैसे होगा, ये पड़ा हुआ है ऊपर, दोनों को सिलेक्ट करें। ठीक है, इधर आए हैं आप ऑब्जेक्ट में। सर सिलेक्ट कंट्रोल से करना है पकड़ के? नहीं, दोनों को ऐसे ड्रैग करके कर लें, ऐसे ऊपर ड्रैग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में आए, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है जी जी, इधर अलाइन इसको करना, अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टली ये कर दें। ठीक है, ये सेंटर हो गया बिल्कुल इसका, सही है। अब इसको इसके ऊपर ले आए, ऐसे बेशक ड्रैग करके ले आए, ये इसके ऊपर आ गया। ठीक हो गया जी, हो गया ये। अब इधर ही आए दोबारा, सॉरी ऑब्जेक्ट में, इधर आए इसके ऑर्डर में। ठीक है सर, अभी तो ले आउट जी ऑब्जेक्ट ऑर्डर ऑर्डर के इधर देखें, ऑप्शन लिखे हुए हैं टू बैक ऑफ द पेज, टू बैक ऑफ लेयर, बैक वन। तो हम इधर करके देखते हैं बैक वन। ठीक है, ये बैक साइड पे चला गया इसकी। ठीक है, अभी ये नज़र नहीं आ रहा सही, इसका थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं, थोड़ा सा और मोटा कर लेते हैं, और कलर भी कोई चेंज करके देख लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह करना, सही हो गया जी सर? ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये इस तरह करना था। नेक्स्ट किसका क्वेश्चन था? गर्ल्स में से था कोई? वालेकुम सलाम। हाँ जी जाहिदा रफीक, आपका क्या इश्यू था जाहिदा रफीक? यस सर, मेरा ये था, मैंने बहुत कोशिश की, सेम प्रोसीजर भी फॉलो किया है, लेकिन इसके बावजूद जो सर्कल के नीचे वाला है ना टेक्स्ट है, वो मेरा सीधा नहीं लिखा जा रहा।
सर्कल वाला, अच्छा वो सीधा नहीं हो रहा था, आप इधर से फ्लिप कर रही हैं, मतलब मिरर कर रही हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल? यस सर। फिर भी नहीं हो रहा? यस सर, वही तो प्रॉब्लम है। फिर भी इवन मैंने यूट्यूब से भी सर्च किया है, उसने भी यही तरीका बताया है, और फिर मैंने फॉलो किया, फिर भी नहीं हो रहा। सर मैंने भी सेम मेथड यूज किया, मेरा भी नहीं हुआ। अच्छा ये देखिए, सिंपली ऐसे ही करना है ना, एक ये हमने पाथ लिया था, कोई सा भी ले लें, ठीक है। इधर सिंपल हमने राइट किया था एक टेक्स्ट, ऑन पाथ, ये लिखा था इधर, इसके गए थे टेक्स्ट में, फिट टू पाथ कर दिया था, ये सेंटर में लिख दिया, ठीक है। नीचे आपके आ गया था टेक्स्ट? यस सर। अच्छा ये लिख दिया, ठीक है, इस थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसकी एक कॉपी पेस्ट इसे ही कर लें, ठीक है। ये देखते हो गया, ठीक है, ये कॉपी पेस्ट हो गया, इसको पकड़ें, नीचे ले आए, इधर कहीं दूर रख देते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था इसकी आपने वो निकालने हैं ऑप्शंस, ये पहले हमारे पास है, मिरर टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली, मिरर टेक्स्ट वर्टिकली, तो एक बार जो है वो इसको हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करें, ये देखें उल्टा हो गया आपके पास, ठीक है। फिर इसको वर्टिकल कर दें तो ऐसे ही सीधा हो जाएगा, तो ऐसे ही किया आपने जाहिदा? क्या तो ऐसे फिर तो हो जाना चाहिए, ये तो प्रॉब्लम है, सेम प्रोसीजर फॉलो किया लेकिन ये उल्टा हो रहा है, ऐसे ही है, टेक्स्ट ऑन पाथ जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही है, लेकिन टी उल्टा, ई उल्टा है, एक्स भी उल्टा, मतलब उस तरह से उल्टा है। आपने ऊपर से कौन से ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं विंडो में से? ये मिरर वाले की है। आप करें स्क्रीन अपनी शेयर करें, अभी है लैपटॉप पे जी, मैं लैपटॉप करें स्क्रीन शेयर, आ रहा है ऑप्शन से चेंज शेयर का? नहीं नहीं लैपटॉप की करें स्क्रीन शेयर। सर हो गई? नहीं अब हुई सर। हाँ जी हुई है, अब करें, लिखें इधर अपना कुछ भी दोबारा से, ये सारा कुछ खत्म करें। वापस दे देना। अच्छा करें, इसको लेके आए पास से, हो गया। आप जाएं उधर टैक्स में जाएं, सॉरी विंडो में जाएं और कस्टमाइजेशन में जाएं, उधर से दिखाएं क्या किया हुआ। हाँ जी इसे कॉपी पेस्ट कर लें, नहीं आ रही है,
हो गया कॉपी? नहीं, ये आपने वही लिख दिया है। वही जो ऊपर लिखा हुआ है आपने जाहिदर पे, एक उसको रोटेट कर दे नीचे की तरफ, बाद में काफी कुछ कर। हाँ जी, उसी को कर दे रोटेट नीचे। हो गया, अब विंडो में नहीं तो ये तो स्ट्रेट लिखा हुआ। अच्छा, हो गया। तो ये से पहले इसको करूं? मैं अब विंडो पे जाए। हाँ जी, विंडो पे जाए। कस्टमाइजेशन का करना था, टूल्स में होगा। टूल्स में सॉरी, विंडो कह दिया, टूल्स में जाएं। ये सर इनके ऑप्शन तो सामने खड़े हैं, वो मिरर वाले, वो मैं देखना चाह रहा हूँ इन्होंने कौन सा सिलेक्ट किया उधर। टूल्स में जाएं, कस्टमाइजेशन में जाएं, अगर टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज। वो नीचे लिखा हुआ तो ये देखिए, मिरर फिटेड टेस्ट हॉरिजॉन्टली है, फिटेड टेस्ट वर्टिकली, फिर हॉरिजॉन्टली है, मिरर लाइंस है, मिरर टायर हॉरिजॉन्टली। ये सेकंड वाला, ये वाला हां जी, सेकंड से मिरर फिटेड टेस्ट वर्टिकली कर दिया। ओके, ये कुछ भी नहीं हुआ, मिरर फिटेड टेस्ट वर्टिकली किया, ये ऊपर को चला जाता है ऐसे, वो नहीं हो रहा। ऑप्शन जो ऊपर आ रहे हैं आपके दो, इन पे आ जाते हैं। पहले एक बार उसको हॉरिजॉन्टल करें, फिर वर्टिकल करें। हाँ जी, पहले ये करें, ये आ गया सर, अंदर आ गया है। अब साथ वाला करें, इसे फ्लैट करके। वो नहीं गया, ये अंदर चला गया है। तो उसका तो कोई इशू नहीं है, इसको पकड़ के नीचे ले आए। जैसा कहते तो ऐसे हो ही नहीं रहा थी, अभी हुआ है। बस देख ले, अभी हो गया ना, आप सही नहीं थी कह रहे। सर अभी अंदर है, बाहर से निकालना है। वो कोई इशू नहीं, आप इसको ड्रैग कर दे नीचे को। और आपने पहले ही सर्कल कम लिया हुआ था ना, इसको थोड़ा सा बाहर कर दें। नहीं, सर्कल को नहीं, इसको बस बड़ा करना है थोड़ा सा। अभी से क्या करूं सर? ये साथ वाली लाइन, ठीक है, ये हो गया। आप करके देख लीजिए एक बार, वो जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे ना, तभी उसको बाहर रखना थोड़ा सा, फिर वो फिट आ जाएगा सर्कल के ऊपर। थैंक यू सर। और किसका था? और किसका? ये स्क्रीन कर दें, ऑफ कर दें। यस सर। और किसका इशू था जिसका नहीं हुआ? जी सर, मेरा था, हो गया वो भी। है, आपने भी ऐसे किया था पहले? अच्छा, चले हो गया सबका। और तो किसी को कोई इशू नहीं? वालेकुम सर। जी सॉरी, हाँ जी, कॉपी पेस्ट कंट्रोल से ऐड कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद हम एक में से कलर, एक में से जो अंदर वाला जो कलर है वो रिमूव कर देना। हाँ जी, वो रिमूव कर दें, खत्म कर दें, अनचेक कर दें। जी क्या नहीं होता? ओके, वॉइस एक तो क्लियर नहीं है, वो कटिंग हो रही है बहुत ज्यादा ना। हाँ जी, आवाज आ रही है, पहले भी आ रही थी लेकिन कट कट के आ रही है, उसमें नॉइज है बहुत ज्यादा।
किया उसमें से. अब इन दोनों को आप दोनों ने आपने अब हाँ जी, जब वो आप सेकंड कॉपी पेस्ट करेंगे उसमें से कलर अनचेक करें और उसका जो आउटलाइन है वो बढ़ा दें, उसको बैक पे कॉपी कर लें, बैक साइड पे उसे भेज दें, उसको कॉपी कर लें, ऑर्डर उसका जो बैक कर दें, बैक टू लेयर. ओके सर. ऑर्डर के ऑप्शन में सर वो आगे से क्लिक करने हैं, बहुत सारे फेड हुए हैं. हाँ जी, पहले आपने इसको सिलेक्ट करना है ना, जिसको करना है पहले सिलेक्ट करें, फिर दोनों को सिलेक्ट करने की स्टिक एक को करने, एक को जिसको जिसका ऑर्डर चेंज करना है उसे सिलेक्ट करने. हो गया. जी हो गया सबका? जी सर हो गया. यस सर, ये क्लियर है. ठीक है, चलें आगे चलें फिर, अगर सबका हो गया तो और किसी का कोई इशू नहीं है तो. जी सर. एक बात और. यस सर. सर हाँ जी हाँ जी, इसे मैंने बाहर लाने के लिए किया है ना, आपको दोबारा दिखाऊं? हाँ जी दिखाए. स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. सर ये देखें, ये अंदर लिखा हुआ है ना, इसे अगर इसी को अभी शेयर अब सर ये देखिए, जब अगर ऊपर वाले को प्रेस करें ना, क्लिक करें तो अंदर होता है, नीचे को करें तो बाहर होता है, अगर बाहर होगा तो उल्टा होता है, अगर अंदर होता तो सीधा होता है. ये ऊपर वाला सही है, ये ऊपर वाला, नीचे वाला भी ठीक है, क्योंकि ये बाहर नहीं आता. अच्छा बाहर नहीं आता, वो आप उसको जब रोटेट करके लेके आती है ना कॉपी पेस्ट, उसको थोड़ा सा बाहर रखते हैं, जब सीधा होगा तो वो इनर होगा अंदर की जाने. यस सर, अंदर उल्टा. हाँ जी, तो इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दें सर्कल को. ओके हाँ जी हो गया. आपको इसका दूसरा ऑप्शन है वो भी बता देता हूँ, अगर इनर जो अंदर की जानिब हो जाए पेस्ट तो उसको कैसे रिमूव करना है, बाहर कैसे लेके आना. ठीक है तो ये मेरी. नो सर अभी नहीं हुई. चले इसका दूसरा, जिनको इश्यूज आ रहे हैं ये उनके लिए, खैर सबके लिए है, जो मैनुअली भी कर सकते हैं अगर आपको कॉपी पेस्ट में इशू आ रहा है तो इस तरह देख लें अगर हो जाए तो. ये देखें, ये आपका लिखा हुआ है सबका आ गया था इस तरह. यस सर. इस तरह हो गया. इसके बाद आपने और भी इसे कॉपी हो गया या नहीं इसे देखने के लिए साइड पे मैंने कर दिया, या कलर भी इसका चेंज कर लें, सॉरी कलर इसका इनर ही होगा चेंज. अच्छा ये एक कॉपी पेस्ट हो गया हुआ, ठीक है. तो अभी आपने करना है इसको नीचे लेके आना, रोटेट करना. ये अगर आप ऊपर जाएं तो इसकी वैल्यू जो लिखी हुई है ये 1373 पिक्सल, इसको आप करना स्टार्ट करें तो ये देखें रोटेशन स्टार्ट हो गई है, अगर आपसे वो ड्रैग नहीं हो रहा तो. ठीक है, इसकी वैल्यू आप इधर से भी चेंज कर सकते हैं. मैं अभी इसको हाफ करने लगा हूँ ताकि जल्दी हो जाए. ये देखें मैंने इसे किया नीचे आ गया, ऊपर से वैल्यू चेंज की है. अभी इसको थोड़ा सा सीधा कर लें. राइटर वीक आ रहा है आपको नज़र? यस सर.
ठीक है, इधर से कर लें आप इसकी एडजस्टमेंट जो भी आपने वैल्यू देनी है। अच्छा, जो आपका क्वेश्चन है कि ये अंदर की जानिब हो जाता है पेस्ट, तो इसको बाहर कैसे करना है, ये देखिए हमने ऐसे हो गया आपका, ठीक है ऐसे, ये साथ इसके और वैल्यूज आ रही हैं, ये एक्स एक्सिस लिखा हुआ है ये बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर, इसको अगर वैल्यू आप करें इंक्रीज तो ये सर्कल से बाहर हो जाएगा। ये देखिए, हाँ जी, ये आपने किया, इसको सिलेक्ट करके फिर वैल्यूज देनी है, फिर ये साइड पे आएगा। हाँ जी फिर सिलेक्ट करके जी सर। तो ये देखें, आप अगर ऐसे आपसे कॉपी पेस्ट में इशू आ रहा है तो आप इधर वैल्यू खुद से भी दे सकते हैं, खुद से वैल्यू दे दें मैनुअली, अब जिधर भी आपकी एडजस्टमेंट हो जाए वो वैल्यू सेट कर दें। ये मैंने किया तो बाहर आ जाएगा, जितना चाहे इसको ये बाहर कर लें, ठीक है। ओके सर, तो इसको अब रोटेट, ये बाहर चला गया, इसकी रोटेशन खराब हो गई है, इसको दोबारा जो रोटेट कर दें, वैल्यू चेंज कर दें। ये देखें, अगर वैल्यू हम चेंज करते जाएं इसकी, ये थोड़ी स्लो है इसलिए आप इसको राइट कर लें, खुद से वैल्यू दे दें, ठीक है। ये जैसे मर्जी आप इसको सेट कर लें, ये हो जाएगा, सही है, क्लियर हो गया सबको। अगर आपको कॉपी पेस्ट में इशू आ रहा है तो आप इधर वैल्यूज दे लें, इनको वैल्यूज के थ्रू कर लें तो वो हो जाएगा इजीली, ठीक है। जी क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। जी सर क्लियर। जी सर। ठीक है, इसी तरह ऊपर वाला है, ये देखें ये बिल्कुल सर्कल के ऊपर पड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा बाहर लेके जाना सर्कल के ऊपर, तो इसकी वैल्यू चेंज करके देख लें, ठीक है। ये अगर आप वैल्यू चेंज करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। इसकी रोटेशन भी साथ में हो रही है चेंज, वो इधर से आप दोबारा आके सेलेक्ट कर लें, आप रोटेट कर दें इसे, वैल्यू राइट कर लें या आप प्रेस करके रखें जहाँ पे सेट हो वहाँ पे इसे एडजस्ट कर लें, ठीक है। ये चाहिए आपके तो? ये मैं रख लूँ अगर, थैंक यू। ठीक है, क्लियर है सबका? जी सर क्लियर है। जी क्लियर है तो आगे चलें। जी सर क्लियर है। ठीक है, आपने इस तरह एडजस्टमेंट कर लेनी है वैल्यूज दे के, ठीक है। अगर आपको कॉपी पेस्ट में इशू आ रहा है, कॉपी जो है वो फ्रंट पे करना है या बैक पे करना है, उसमें इश्यूज आ जाते हैं, वो दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं या एक भी नहीं होता, तो आप इस तरह मैनुअली भी कर सकते हैं, जो आपके ऊपर प्रॉपर्टी मेन्यूज आपको नजर आने से आप कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। चले नेक्स्ट चलते हैं, आज का हमारा जो है टॉपिक, ये हमारे पास उस दिन हमने रिक्टेंगल का किया था कवर, तो अगर आपके कोर्स आउटलाइन को देखें तो उसमें दूसरी शेप्स का भी है, तो इसमें भी हैं, जितनी भी शेप्स रह गई हैं जो इधर बाई डिफॉल्ट दी हुई हैं उनका हम वन बाय वन उनको कवर करते हैं थोड़ा डिटेल में, ठीक है। इधर अगर आप जाएं पॉलीगॉन के ऊपर तो नीचे बहुत सारी शेप्स आपको नज़र आ रही हैं, स्टेरिक है, कम्प्लेक्स स्टार है, इम्पैक्ट टूल है, ये ग्राफ पेपर है, स्पाइरल है, बेसिक शेप्स हैं, ये सारे टूल्स दिए हुए हैं, ये इनका बहुत ज़्यादा यूजेज है, ये हर जगह ये इनको वर्ल्ड में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप कोई भी इधर डिज़ाइनिंग करना चाहेंगे, जिस तरह कोई पोस्टर कार्ड है, आपकी कोई फ्लक्स है, उस तरह की चीज़ें अगर डिज़ाइन करना चाहेंगे तो आपको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा इन चीज़ों को, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कोई भी ले लेते हैं, ये स्पाइरल से कर लेते हैं स्टार्ट, सारी करेंगे वन बाय वन कवर, पहले भी इनका इंट्रोडक्शन हमने किया हुआ है, तो ये स्पाइरल आपको नज़र आ रहा है, ए प्रेस कर लें या स्पाइरल इधर से जाके सेलेक्ट कर लें, ये भी आपको डिज़ाइनिंग में हेल्पफुल होगी जब आप कोई भी इस तरह की चीज़ ड्रा करना चाहेंगे। मैं इसको ड्रा करता हूँ, ये मैंने किया ड्रा, ये आपको इस तरह नज़र आ रहा है स्पाइरल, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि सबको क्लियर नजर आए, ये नजर आ रहा है सबको? यस सर। स्क्रीन शेयर,
अच्छा ये मैंने ये ड्रा किया मैंने, सिंपल बिल्कुल शेप है। अच्छा आगे हमारे पास एक ऑप्शन होगा, किधर होता है इसका ऑप्शन, ये Ctrl F9 से, Ctrl F9 से या फिर इधर इफेक्ट की जो आपको मेन्यू नज़र आ रही है, इफेक्ट ये सबसे ऊपर इधर से करें तो ये कॉन्टोर, इसका ऑप्शन होगा आपके पास, ठीक है। ये F9 लिखा हुआ है, Ctrl F9, इसको अगर प्रेस करें तो इसकी सेटिंग इधर आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। माइक म्यूट कर लें जिसका शोर आ रहा है। अच्छा ये हमने की ओपन, इसकी सेटिंग आ गई कॉन्टोर, ये ऊपर सब लिखा हुआ है, ठीक है। ये अगर इसकी बाय डिफ़ॉल्ट ही आप कर दें जो भी लगी हुई है पहले, इसको सेलेक्ट कर दें बाय डिफ़ॉल्ट, तो अप्लाई करके देखें इसको क्या होता है। ये देखें हमने इस तरह किया बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसकी ना लाइंस आ गई। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। कलर मैं इसका रेड कर देता हूँ, ये आपको नज़र आ रही है, ये ब्लैक जो अंदर नज़र आ रही है ये पहले की है जो हमने सेलेक्ट की थी, और जो ये पिंक कलर बाहर आउटलाइन लगी है ये अभी है जो हमने इधर वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये 13 है, इसको कम करके देखें या ज़्यादा करके देखें तो आपको थोड़ा इसका डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। 10 करते हैं, ठीक है। ये इधर से राउंडेड कर लें, पहले बिल्कुल इसके ये कॉर्नर निकले हुए हैं नोड, इसको मैंने राउंड किया, और इधर से ये ठीक है, लीनियर ही करनी है, लीनियर काउंटर। तो इसको अप्लाई करें तो क्या होता है, ये आपको नज़र आ रहा है, थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा कर लेते हैं ताकि सबको क्लियर हो जाए। अप्लाई किया तो ये इसकी शेप आ गई हमारे पास एक, ठीक है। यस सर, ठीक है। ये हम पढ़ रहे थे, ये फर्स्ट में हमने स्किप किया था, ये कवर नहीं थे किए, तो आज हम देखेंगे जो शेप्स है हमारे पास, जिस तरह रेक्टेंगल थी आपके पास, लिप टूल था जो सर्कल है, स्फेरिक था, तो जितनी भी अगर हमने हमें दी हुई है बाई डिफॉल्ट शेप, वो हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया, एक सिंपल ये लिया, इसको फिलहाल ख़त्म करता हूँ, चलिए दोबारा ड्रा कर लेते हैं अगर आप लेट ज्वाइन किया आपने तो। ये आपने सेलेक्ट की है एक शेप स्पाइरल, स्पाइरल जिसको कहते हैं, उसके बाद आप जाएं इफेक्ट में, इफेक्ट में ये Ctrl F9 कंट्रोल लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप तो इसको सेलेक्ट कर लें, अभी तो अनचेक हो गया, दोबारा करें Ctrl F9, तो ये इधर इसकी वैल्यू सेट की हुई है, मैंने अभी की है 20, पहले ज़्यादा थी या कम थी, हम इसको 20 करके देखते हैं, ठीक है। ये आ गया आपके पास 20 आ गया, इसको अप्लाई करके देखें तो आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जाएं आप ऑब्जेक्ट में, तो ये लिखा हुआ है ब्रेक कंट्रोल ग्रुप अपार्ट, ये क्योंकि सारी चीज़ जो है ना ग्रुप हुई पड़ी है, ये आप अगर इसको देखें, ये थोड़ा ड्रैग करें तो ये ग्रुप है सारी, तो ये ग्रुप कैसे अलग करना है, जिस तरह हम इलस्ट्रेटर में भी देखा था उधर एक्सपेंड करके कर रहे थे, तो इधर इसके आए ऑप्शन में, ये कर दिया हुआ है पहले ही मैंने, अभी इसको जी करता हूँ, ऑब्जेक्ट, ये ब्रेक पॉइंट, इसके ब्रेक कंट्रोल ग्रुप अपार्ट, कंट्रोल के या प्रेस कर सकते हैं या इधर से मेन्यू से आके कर लें, इस तरह आपने किया। उसके बाद आप क्लिक करें, ये जो आपका इनर है ना ब्लैक लाइन, इसको मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई, ये बेसिकली जो शेप्स हैं इसने दी हुई हमें कोरल ने बाय डिफ़ॉल्ट, उनको हम वन बाई वन कवर कर रहे हैं। ये पहले हमारे पास इस तरह थी, हमने ये इनर जो ब्लैक आपको नज़र आ रही हो लाइन वो ली थी, इसका थोड़ा सा कह लें कि स्ट्रोक की तरह, ये भी चीज़ है स्ट्रोक की तरह, कंटोर है इसका टूल का नाम, जिस तरह हम स्ट्रोक ड्रा करते थे और आउटलाइन लगाते थे, ये भी उससे मिलता जुलता है, ठीक
ठीक है ये हमने लिया, ये हमने लिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट में गए और इसको हमने ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक हुआ पड़ा इसलिए ये अभी ऑप्शन नहीं आ रहा हमारे पास एक्टिव, ये इनविजिबल सा हो गया, फेड हो गया, ये कर दिया। इसके बाद आप इधर से इनर वाला जो है ना वो सिलेक्ट करें, उसको डिलीट कर दें, ठीक है। कोई भी आप शेप बना सकते हैं इससे, स्पायरल, स्पायरल से आप लोगो बना रहे हैं, उधर किसी ऐसी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ गई है, ये बहुत सारे सर्कल हैं, आउटर इनर 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 इनर, जिस तरह वो आप केमिस्ट्री में पढ़ते थे मॉलिक्यूल्स वगैरह और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रोटेट कर रहे हैं अपने। सर डिलीट करने के लिए क्या प्रेस किया आपने? सेलेक्ट मेरा हो गया। हां सेलेक्ट करके डिलीट का बटन लैपटॉप से। सर काउंटर से क्या होता है? काउंटर कंट्रोल प्लस F9 से क्या होता है? हां जी काउंटर जो लिखा हुआ है इससे है, ये आपकी आउटलाइन की तरह बिल्कुल इसका यूज है, आउटलाइन लगेगी इससे ना, जितनी भी आपकी स्पाइरल में शेप्स लगी हुई थी आपने काउंटर किया तो उसकी आउटलाइन लग गई। किसी और ऑब्जेक्ट पे भी हम अप्लाई करके देखते हैं कि ये काउंटर किसी भी शेप पे कंट्रोल लग जाता है। हां जी किसी भी शेप पे लग जाता है। डबल 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 आउट है ना? हां जी डबल। ठीक है ना सर, एक्सक्यूज मी सर, ये जो बीच वाली लाइन डिलीट की है ये कैसे की है? ये आप लाइन के ऊपर एक बार करें, ये सिलेक्शन टूल से, ये लाइन पहले आपकी लगी हुई थी ये वाली, सिलेक्शन टूल मैंने सिलेक्ट किया, इधर आके कहीं किसी भी जगह के ऊपर आप अपनी लाइन पे क्लिक करें जो पहले लगी हुई है जी, ठीक है, ये सिलेक्ट हो जाएगी, ये आपको डॉटेड नजर भी आ रहे हैं। उसके बाद आप डिलीट करें अपने लैपटॉप के बटन। राइट क्लिक करके भी आप डिलीट कर सकते हैं, ये डिलीट का ऑप्शन लिखा हुआ है, इधर से भी आप कर सकते हैं। ब्रेक काउंटर से क्या होता है? एक मिनट जी, क्या होता है सर? आपने ये अनग्रुप करने से पहले कुछ किया था, वो क्या किया था? अनग्रुप करने हाँ जी, वो एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट की थी पहले इसको, फिर देन इसको। नहीं नहीं नहीं, ये इतना हो गया था। हाँ जी, उसके बाद आपने जाना है कंट्रोल प्लस के कर लें, या इधर ऑब्जेक्ट में जाके आप इसको कर लें ब्रेक कंट्रोल, ये लिखा हुआ ब्रेक कंट्रोल ग्रुप अपार्ट, ठीक है, इधर से करें तो ये अलग अलग हो जाएंगे, जो आपका सर्कल लगा हुआ है, जो हमने पहले स्पाइरल लिया था, ये दोनों अलग हो जाएंगे। अच्छा आउटलाइन और अंदर वाली जो लाइन है वो सेपरेट हो जाती है? हाँ जी वो सेपरेट हो जाएंगी। तो अभी आप सिलेक्ट करें दोनों में से, अभी मैंने बाहर वाली की है, बाहर वाली डिलीट हो जाएगी, ठीक है, अंदर वाली सिलेक्ट करें, ये मैंने सेलेक्ट की, राइट क्लिक किया और इधर डिलीट लिखा हुआ है, इधर से डिलीट कर दिया। वाले सलाम सर, मेरी सारी सिलेक्ट हो रही है, अंदर बाहर वाली लेदर लेदर सिलेक्ट नहीं हो रही। आप एक बार ऊपर क्लिक करके कंट्रोल के प्रेस करें सर, वो कर लिया है। हाँ जी, तो उसके बाद आपने अपना माउस लेके जाना है इधर जिधर से जो से भी आपने सेलेक्ट करनी है, ये आपको एरो नजर आ रहा है सिलेक्शन एरो जो है, वो क्लिक करें और उसको डिलीट करें। सर कंट्रोल प्लस के दबाने से पहले अंदर वाली लाइन क्लिक करनी है या आउटलाइन क्लिक करनी है? आउटलाइन करेंगे तो आउटलाइन डिलीट हो जाएगी, करके देखते हैं। कंट्रोल प्लस के से, कंट्रोल प्लस के से वो सिर्फ आपका स्टैंड होगा, अलग अलग होंगे दोनों। नहीं कंट्रोल प्लस के जो दबाना है उससे पहले हमने जो शेप ड्रॉ की है उसके ऊपर क्लिक करके ये दबाना है या आउटलाइन के ऊपर क्लिक करके ये दबाना है? सर दोनों से आप करके देखें, पहले बाहर वाली डिलीट करके देखें आपको आइडिया हो जाएगा, फिर जो ब्लैक आपने अंदर सेलेक्ट की हुई है वो डिलीट करें। वो आप माउस दोनों के ऊपर लेके आ रही है ना, इसलिए नहीं हो रहा। मैंने ग्रुप अनग्रुप किया उसको, मतलब ब्रेक कर दिया, लेकिन वो कभी एक नहीं सेलेक्ट हो रहा। आपने सही नहीं ना किया सेलेक्ट, इसलिए आप अपना ये पहले इसको खत्म करें, ये देखें सर अगर कंट्रोल प्लस के नहीं करेंगे तो डिलीट का क्लिक करके डिलीट का बटन दबाएंगे सारा डिलीट हो जाएगा। हाँ जी इंशाल्लाह सारा हो जाएगा। ये रुकमा नहीं, देखें आप सेलेक्ट करें ना अपना, इसको पहले अनचेक करें, बिल्कुल ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसके बाद सेलेक्शन टूल करें अपना, फिर लेके आए और इसको डिलीट कर दें जो भी आपका है। जी सर मैंने वो करी हूँ सर, सिलेक्शन टूल पे जाके ना
ना मैं मिड वाली लाइन पे प्रेस कर रही हूं तो वो पूरे का पूरा डल हो रहा है। वो आपने पहले इसे स्पैम ही ना होगा, इसके ऊपर एक बार क्लिक करें कंट्रोल प्लस ए कर दें, कंट्रोल के, ठीक है, और आपका स्पैम हुआ ही नहीं है। अब करें इसको खत्म करें, अनसेलेक्ट करें और ऊपर से सिलेक्शन टूल करें, फिर इसको करें सिलेक्ट। जी सर। सर हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, ये मुझसे जो कोरल है वो इलीगल सॉफ्टवेयर के नाम से एरर दे रहा है और बाय करने के लिए कह रहा है। आपने कहाँ से किया था डाउनलोड? सर वो जो आपने लिंक भेजा था वहाँ से। सबने उधर से किया 2018 का। जी क्या पता आपका भी दो दिन में बंद हो जाए। हाँ हो सकता है यार बंद हो जाए, मेरा पहले 2020 हुआ पड़ा था तो मैंने फिर आप लोगों के लिए 18 कर लिया। जी ये तो नहीं लिखा था ना प्री क्रैक, तो वो तो हमने डाउनलोड कर लिया चल पड़ा तो ऊपर ऑप्शन भी नहीं आई, क्या पता 10-15 दिन बाद खत्म हो जाए। तो अभी 10-15 दिन तो हो ही नहीं है, अभी तो एक वीक नहीं हुआ। मुझे तो किए हुए 3 दिन हुए और 3 दिन के बाद ये इसको कह रहा है सेव 40% एंड $399 में बाय करें, इसको ओपन ही नहीं कर रहा। क्या आपका 3 दिन का हो ट्रायल? पता नहीं क्या होगा ये। सर ये शेप का नाम बता दें, शेप कौन सी है? सर ये दोबारा करना पड़ेगा, ये मैंने सिस्टम से अनइंस्टॉल करें पूरा का पूरा, सी ड्राइव से भी और अंदर कंटेनर भी पूरा का पूरा ना ए टू जी इसकी फाइल डिलीट करें, दोबारा इंस्टॉल कर लें उसी को, तो दोबारा आपको मिल जाएगा ट्रायल पे। तो ये तो बार बार इसी तरह ट्रायल पे लगे रहेंगे, कोई इस तरह का नहीं है जैसे पहले वो आपने क्रैक लगाया होगा तो फिर वो दोबारा नहीं आपसे एक बार से बोलेगा। और ये सर ने जो भेजा था इसके अंदर क्रैक पड़ा हुआ था, क्रैक पड़ा हुआ लेकिन क्रैक किया नहीं है। आप ऐसे करें ना जो क्रैक की ऑप्शन पड़ी है ना उसको ओपन करें, अंदर एक फाइल होगी, वो फाइल को पकड़ के सी फोल्डर में जाएं, सी फोल्डर के अंदर होगा प्रोग्राम फाइल, प्रोग्राम फाइल के अंदर जाएंगे आगे ऊपर ऑप्शन होगा अडोब का, अडोब को क्लिक करेंगे आगे आगे ऑप्शन होगा कोरल ड्रा का, अब कोरल ड्रा के अंदर जाके इसको पेस्ट कर दें। अच्छा मैं चेक करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाफिज लाल टाइप करके भेजें पूरी फाइल, टाइप करके देना ऐसे तो उनको समझ नहीं आएगी, टाइप करके जी प्लीज आप कर दें टाइप। सर मेरी ये 2020 का तो वो तो ऑप्शन से चेंज आ रही है, कुछ और ही बन गया कंट्रोल में जाके, तो क्या बन गया सर? ऐसे वाली शेप नहीं बनी, वो कुछ और ही बन गया। दो किस्म के कंट्रोल है, एक ऊपर है एक सबसे नीचे है, जो नीचे वाला है ना वो करें। सेम हो भी वर्किंग, वो थोड़ा सा आपका ऑप्शन कोई करें उसको चेक ही आने के नीचे दो किस्म के कंट्रोल है, एक ऊपर है कंट्रोल और एक नीचे है, जो नीचे वाला बहुत सही है। ओके ये करें इसे। एक्सक्यूज मी सर, मैंने कंट्रोल F9 से ही वो किया था तो वो कुछ और ही बन रहा है। ये ओपन वही होता है लेकिन उससे आगे भी ऑप्शंस होंगे, इधर से कर लो सर। ये आप डबल लाइन स्पाइरल बताना बता देंगे दोबारा प्लीज, ये कैसे किया था आपने? हाँ जी सर बिल्कुल बता देंगे क्यों नहीं। सर ये मेरा रेड वाला डिलीट हो रहा है, ब्लैक वाला नहीं डिलीट हो रहा, सिलेक्ट हो सर मेरा इधर सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। सिलेक्ट आप सही से करें ना माउस को, एक मिनट करते हैं अभी। बेसिकली हम आज सब सारी शेप्स हैं वो क्लियर करेंगे वन बाई वन, अगर डिजाइनिंग में अगर इन चीजों की आपको जरूरत पड़ जाए तो आप इजीली इनका यूज आपको आता हो, आपके माइंड में हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है, इसलिए इनका जो है इनको कवर करना वो ज़रूरी है। दूसरा आपके
कोर्स आउटलाइन जो है उसमें भी हैं सारी चीज़ें कवर्ड। तो ये देखें, अभी हमने ए प्रेस कर लें या इधर शेप्स में जाएं, ये लिखा हुआ है स्पाइरल शेप, ठीक है, इसके ऊपर आएँ आप, ट्रा कर लें तो इस तरह की कोई चीज़ आपको नज़र आएगी, ठीक है, इतना हो गया होगा सबका। उसके बाद आप जी, उसके बाद आप जाएं इधर इफेक्ट में, इफेक्ट में ये ऑप्शन आ रही है कंट्रोल लिखा हुआ है, ठीक है, कंट्रोल एफ नाइन से भी आ जाता है और इधर से जा गया वो खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं जी से, ठीक है, ये कर लिया पहले क्योंकि सिलेक्ट गायब हो जाएगा, मैं दोबारा कर लेता हूँ, ये आ गया। इधर आप वैल्यूज चेंज करके देखें, ठीक है, ये वन लिखी हुई है, उसके बाद ये वन टू जो है ये भी इनकम भी देखते हैं बाद में क्या इफेक्ट है, अगर टू कर दें तो क्या, थ्री कर दें तो क्या, तो अभी स्टार्ट में हमने वन ही की हुई है। इसके बाद ये 20 है, ठीक है, ये इधर से चेंज करके भी आप देख सकते हैं, ये मैंने खुद ही 20 रखी है 20 पे, ठीक है, ये 22 कर लें तो वो इसका यूज़ ये है कि जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ये आपका जो सर्कल इनर आउटर सर्कल लगेगा उस पर इफेक्ट करेगी, वो थिन थिक और कितने सर्कल ज़्यादा होंगे ये उधर इफेक्ट करेगा, ठीक है। अभी इसको करते हैं अप्लाई, तो ये देखें, तो अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा करते हैं अभी इसको के 40 कर देते हैं डबल, तब देखें क्या होता है, ये आपके जो सर्कल हैं इनकी विड्थ ज़्यादा हो गई है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बाहर आ गए। इसी तरह 50 करके देख लें, 52 तो और ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल बाहर ही चला जाएगा। हाँ जी माइक म्यूट कर लिया करें, जिसने बात करनी होती है बाहर वो माइक म्यूट करके फिर लग लिया करें, इस तरह सारे डिस्टर्ब होते हैं सारे लोग, या फिर इधर से मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, जिसका कोई क्वेश्चन हो वो हैंड रेज कर लिया करें, ठीक है। तेरा बहुत ज्यादा शोर आ रहा होता है तो किसी को भी जो समझ नहीं आती। नो सर जी, हमें एंड्रेस इसका कोई वो एंड्रेस कर लिया करें, एंड्रेस कर करके थक जाते हैं, कोई पीछे ओपन ही नहीं करता, नहीं आप कर लिया करें, अगर किसी को आवाज कम है, इंटरनेट इशू है तो वो एंड्रेस कर लिया करें, और टेक्स्ट भी कर सकते हैं, फिर वो रीड कर लेंगे, मतलब वो जिसका नेट का इशू है वो कहते हैं हमारा क्यूरी जो है वो रिजॉल्व नहीं हुई, सॉल्व नहीं हुई, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो सर ये फिर हैंड डाउन नहीं किया करेंगे, जिससे सभी के हैंड्स आपको होंगे, जिसने पूछना होगा वो उसका भी हाथ ऊपर होगा, जिसने वो डाउन डाउन का भी ऑप्शन आ रहा होता है वो डाउन लेंगे। सर जो माइक नहीं ऑफ करता वो हैंड वाला ऑफ करेगा, ऐसी सही है सर, सारे मैच्योर है कर दिया करेंगे, अब आइंदा नहीं ऐसा होगा। अच्छा ठीक है, आप बताएं किसको यहाँ तक है क्लियर, सबको तो आगे चलते हैं। सर प्लीज वो क्रैक का कुछ करवा दें, वो हाफिज फिलहाल साहब कहेंगे कि वो टेक्स्ट करते हैं, सर मेरा नहीं सिलेक्ट हो रहा अभी भी। ठीक है वो करते हैं, हाफिज फिलहाल यार इधर चैट में करके टाइप सेंड कर दें। सर जी एक मिनट करता हूँ, एक मिनट, वो अपने अपना जो लिंक बनता है ना उधर आपका सी में, और जहाँ से ओपन करें वो लिंक कॉपी कर दें इधर, जिधर पेस्ट करना है, सी में जो पाथ बनता है ना ऊपर सर्च में पाथ, वो सेंड कर दें इधर। हाँ जी 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 पूछे मिस। सर ये नहीं हो रहा इनर सेलेक्ट, इनर सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ये आपका इतना हो गया, उसके बाद मैंने कंट्रोल के प्रेस किया तो ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, ठीक है, इधर से भी आप जाके कर सकते हैं ब्रेक कंट्रोल के, ये मैंने प्रेस किया तो अब ये दोनों अलग हो गए हैं, डिलीट नहीं हो रहा, तो इसको ऐसे ड्रैग करके साइड पे ले जाएं, उधर जाके डिलीट कर दें, अगर इधर से डिलीट नहीं हो रहा जो बाई वाला उसको पकड़ पे साइड पे ले आए और एक डिलीट कर दें, अगर इस तरह सिलेक्शन में इशू आ रहा है तो करने के बाद भी नहीं होता, वो ड्रैग नहीं होता, वो अलग ही नहीं होता, वो इकट्ठे मूव करते हैं, आपका लग नहीं ना हुआ इसलिए इकट्ठे मूव कर रहा है। ये आपने कंट्रोल के किया,
ब्रेक किया इसको आपने? यस सर किया है। ब्रेक आपने सही नहीं ना किया, आपने पहले इसको सिलेक्ट करना है उसके बाद ब्रेक करना है। आपने सिलेक्ट किए बगैर ही आई थिंक ब्रेक कर दिया हुआ। सर सिलेक्ट टूल से सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट तो हो रहा है बट ये जो डॉट आ रहे हैं ये नहीं आते। नहीं आ रहा सर, सिलेक्ट टूल से सिलेक्ट कर रही हूँ बट ये सिलेक्ट तो हो रहा है ओवरऑल लेकिन वो पूरा पूरा ये डॉट्स जो आपके आ जाते हैं मिड पॉइंट्स वो नहीं आ रहे। तो उनको छोड़ें, अभी आप करें ना ब्रेक करें इसको। हो गया अभी? ये दानियाल आपका हो गया क्लियर? दानियाल मुमताज सर ये एक दफा फिर बता दें ब्रेक वाला जरा प्लीज। मेरा मेरा क्रिस्टल क्लियर है सर। ठीक है, ये मिस आप इधर देखें अगर आपका डिलीट नहीं हो रहा, दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, इसको एक किसी फाइल वाले को पकड़ के फाइल ले आए साइड पे ले आए ताकि आप डिलीट कर लें। अभी कैसे हुआ आपका? आपने पहले सेलेक्ट नहीं किया ना कि यार डिलीट कर रहा है। हो ही नहीं रहा था, अब पता नहीं वो कैसे खुद ही सेलेक्ट हुआ। वो डॉट्स ये जो जैसे सेलेक्ट करने से सिर्फ आउटसाइड डॉट्स आ रहे हैं तो वो आ रहे थे, ये जो शेप के डॉट हैं जब हम बनाते हैं तो वो नहीं आ रहे। अच्छा ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये स्पाइरल का था सारा ना, स्पाइरल शेप का। इनको कैसे यूज करना है ऊपर, इसके ऑप्शन अगर देखें प्रॉपर्टीज में इसकी वैल्यूज आ रही हैं ऊपर, इनको चेंज करके देखते हैं साइज का, साइज कम ज्यादा। ठीक है, ये अभी एक साइड तो मेरे तो ऐसे ही आ ही नहीं रही। अच्छा आपसे क्या आ रहा है सर? ये मतलब मैंने ऐसे ऑप्शंस चेंज किए हैं, वो जो अभी मुझे बताया था ना किसी ने कि नीचे वाला कंट्रोल यूज करो, वो मैंने किया, ऐसा वाला आ गया मेरे पास। लेकिन ना उसके बाद वो मैंने ये चेंज किया है उसकी, लेकिन जैसे ये आपकी राउंड एंड राउंड ये शेप बनी है ना, ये मेरी ऐसी मतलब आ ही नहीं रही, वो स्पाइरल पहली वाली है। तो ये आपके सर्कल नहीं शो हो रहे जो नए आए हैं अभी? जी जी, तो इधर दें ना, इसकी वैल्यू चेंज की है आपने ऊपर से? जी की है, मैंने आपकी तरह 20 कर ली है। नीचे वाली 20, ऊपर वाली एक ही रखे हैं उसको, ये की है। ओके मैं तो बाहर सर्विस है जी सर। आप 20 की वैल्यू कर रहे हैं ना सर? हाँ जी सर, 20 में ऑफसेट इंचीज में आ रहा है सर, 20 जो पिक्सल जहाँ से आप कर रहे हैं सर वो इंचीज में आ रहा है। इंचीज में वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, उसको कम कर लें, पॉइंट्स में लें आप 0 समथिंग कर लें, 0.10 करके देते हैं अगर इंचीज में लिखी हुई है सर। वो पिक्सल में वो चेंज नहीं हो सकती सेटिंग सर? सेटिंग हो सकती है, आपने जो बोर्ड लिया होगा ना वो इंचीज में होगा। ओके सर, थैंक यू सर। आप पिक्सल में करें आप सर। हो गया वो, मेरा भी ऑफसेट वाला मसला था। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं क्रैक वाला की? क्रैक आप टेक्स्ट सिर्फ जो है ना इधर पाथ कर दें काफी। मैंने उसकी सेटिंग की है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं ना, सर वो क्लियर हो जाएगा। तो करें जल्दी से करें क्लियर, जल्दी से करें आप शेयर स्क्रीन। ताहिरा आप देख लें अभी कैसे क्रैक करना है इसको। यस सर। सही स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी हो रही है सर, हुई थी अभी हो गई है सर, हुई थी अब हो गई है। हाँ जी, ये ना मैंने फोल्डर है उसके अंदर ना ये कोरल ड्रा का ना रखा हुआ फोल्डर, उसको क्लिक करें, ये आप फाइल्स हैं ठीक है। ये है, अंदर एक ऑप्शन होती है क्रैक की, इसको यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करें और ये सी फोल्डर है, ये देखो सी फोल्डर के अंदर, सी फोल्डर के अंदर ये है प्रोग्राम फाइल ठीक है। प्रोग्राम फाइल के अंदर ये है कोरल की ऑप्शन, ये कोरल के ऑप्शन के अंदर जाके आपने क्या करना
यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना, आगे एक दफा ऑप्शन आएगी आपकी कंटिन्यू की, मैंने एक दफा पहले किया हुआ है ना, आगे ऑप्शन आएगी कंटिन्यू की, आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना, मतलब एक इसकी फाइल जहाँ पड़ी हुई है उस फाइल को रिजेक्ट करके आपने ये वाली फाइल को एंटर करना है, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे पिछली फाइल खत्म हो जाएगी, आपकी न्यू फाइल आ जाएगी। इस तरह करेंगे तो आपका दोबारा जब ओपन करेंगे तो आपकी फाइल सही ओपन हो जाएगी। तो ये आपने जो ये कोरल का रखा हुआ है वो सर्वर वहाँ से खोल रहे हैं? फाइल सर की हो या कोई भी हो, इसका प्रोसीजर यही है। लेकिन उसमें कोरल की, मेरे पास तो कोरल की फाइल नहीं शो हो रही, डाउनलोड्स में नहीं आ रही और सेपरेट भी नहीं आ रही। आपने कहाँ से डाउनलोड किया था? जो सर्वर ला वो था ना लिंक, वहीं से डायरेक्ट डाउनलोड किया था, और वो जो RAR की फाइल थी मेरे पास वो पड़ी हुई है, उसमें क्रैक तो नहीं आ रहा कहीं से। तो जो भी फाइल आपने की है ना वो फाइल आपको डाउनलोड होगी, लेकिन उसके अंदर क्रैक की ऑप्शन नहीं आ रही, डाउनलोड में आ तो रही है वो फाइल, क्रैक की ऑप्शन नहीं है उसके अंदर। तो एक्सेप्ट करती ना, एक्सेप्ट हेयर करती, तो एक्सेप्ट हेयर करने से वहाँ पर एक फाइल आ जाती है, ये ऐसे करती ना आप, ये देखें ये है फाइल, तो आप ये इसको ओपन करती और साथ ही आपने करना था यहाँ, ये यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट हेयर, जैसे ये यहाँ पे करती तो फौरन यहाँ पे फाइल आपकी ओपन हो जानी थी, इसको क्लिक करने से ये सारी फाइल आ जानी थी, इस फाइल का इसको कॉपी करना तो वहाँ पे पेस्ट करते। अच्छा मैं दोबारा करके देखूंगा, अगर नहीं होता तो फिर और कोई सलूशन नहीं है। वो ग्रुप में वीडियो भी पड़ी हुई है, किसी ने शेयर किया उधर से देख लें। सर वहीं से देख के मैंने किया था और वो वहां से देख के डाउनलोड हो गया था, लेकिन उसके बाद से ये आना शुरू हो गया। चलें आप ट्राई करें, हो जाता है इंशाल्लाह, आप ट्राई करें इसको एक बार, ठीक है। ये इसका स्पाइरल का हम पढ़ रहे थे, स्क्रीन शेयर हो गई है सबके साथ? यस सर। स्क्रीन शेयर हो गई है, तो जिनका इतना शोर आ रहा है वो म्यूट कर लिया करें, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ अभी, का कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज करेंगे, ठीक है। अभी मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। ये आपने कर लिया तो इसका और क्या यूज है, अगर इसका कोई इसको डिज़ाइन वगैरह बनाना है इसका कोई, सभी आप कंट्रोल सी वी कॉपी पेस्ट कर लें या कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लें, या राइट क्लिक करके भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या उसी तरह ड्रैग करके एक साइड पे, ठीक है, ये कॉपी हेयर कर लें, इस तरह भी कर सकते हैं, कंट्रोल डी कर लें, जैसे आपका दिल करे आप कॉपी पेस्ट इसको कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल डी किया तो इसके बिल्कुल ऊपर उसने एक और कॉपी बना दी है, ठीक है, इस तरह किया। कंट्रोल डी से कॉपी होती है, डी से भी डुप्लीकेट हो जाता है ना वो। अच्छा अच्छा, तो जो हमने बनाई हुई शेप एज इट इज वही होगी? हाँ जी वही होगी, मतलब उसके अंदर वाली लाइन गायब हुई होगी। हाँ जी वो वाली जो आपने बनाई है, जिसकी कॉपी कर रहे हैं ऑफ कोर्स वही होगी, ठीक है। ये आपने कॉपी पेस्ट कर लिया, इसको इधर रख के कोई स्टाइल देना चाह रहे हो उससे भी हो जाएगा, जैसे आप करना चाहें हो जाएगा। इधर रख के आप कोई सी भी स्टाइलिंग इसकी करना चाहें, मैं अभी इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ऊपर हमारे पास इनका भी डिटेल में हम देखेंगे, वो जिस तरह हमने पाथ फाइंडर का पढ़ा था, तो कटिंग करना, इनको मर्ज करना, कंबाइन करना, ठीक है, ये सारे आपके पास, माइनस करना, ये सारे ऊपर ऑप्शन आपके पास आ रहे होंगे, ठीक है। या कंबाइन करना, माइनस करना, ठीक है, ट्रिम करना, ये सारे ऊपर ऑप्शन है, बिल्कुल वो जो हमने पाथ फाइंडर टूल्स में देखे थे उधर इलस्ट्रेटर के। तो मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, मैं सपोज ये ऑप्शन करता हूँ अभी, आपके पास तो इस तरह की शेप बन गई, अगर सपोज आपको चाहिए हुई, अभी ज़रूरी नहीं कि आपको यही चाहिए, लेकिन अगर ये इस तरह की चाहिए हो कोई, ये बन जाएगी, ठीक है। ये कैसे किया? ये ऐसे किया मैंने, दोनों को सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट, आपके पास ऊपर ऑप्शंस आ रहे हैं कंबाइन के। सर जी, सर स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी? हाँ जी स्क्रीन शेयर है सर, मेरी तरफ तो नहीं शेयरिंग हो रही। स्क्रीन शेयर है सबके साथ? स्क्रीन शेयर है वो, कोई आ जाती है अभी, हो जाती है कोई इंटरनेट इशू होगा। मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ, आप मुझे एडमिट कर देना। ठीक 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 करें।
अच्छा ये मैंने किया था, इसका कंट्रोल डी एक डुप्लीकेट कर ली थी, आप कॉपी पेस्ट कर लें सिंपल, जैसे आप कर जैसे दिल करे आप कर सकते हैं इसको, कोई इसके हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये इधर से मैं सपोज करें कि इसको कंबाइन करना चाह रहा हूँ, मैंने ये किया तो ये ट्रिम हो गया, यहाँ से ना खत्म हो गया दोनों, ये कंबाइन हो गए हैं। ठीक है, ऑप्शन आई कहाँ से हो रहा था वहाँ पे, ये ऑप्शन आई कहाँ से थी जो ये जब आप फिलहाल आपके पीछे ना बहुत ज्यादा शोर होता है जिसकी वजह से दूसरे लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, या तो उनका माइक म्यूट करवा लिया करें आप, या अलग बैठा करें जिधर आपने क्लास लेनी होती है। नहीं वो आपके पीछे शायद बच्चे कोई वगैरह पढ़ रहे हैं तो आप अलग बैठा करें उनसे थोड़ा सा। सर मैंने ये दो ना ली है लेकिन ये दोनों सेलेक्ट नहीं हो रही, दोनों सेलेक्ट हो रही। आपने पहले एक को क्लिक करना है, उसके बाद आपने शिफ्ट प्रेस करना है और दूसरी को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, अगर नहीं हो रही तो जी सर ठीक होगी, अगर ऐसे करना है तो ऊपर से ड्रैग कर लें सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके, उधर से भी हो जाएगी। अगर नहीं ऐसे हो रही तो शिफ्ट प्रेस करें, वन बाई वन कर लें, सेलेक्ट हो गई है। सर मैं देखती हूँ एक मिनट, ये इस तरह करनी है आपने, तो ये मैंने किया है, इधर से मैं इनको कंबाइन करता हूँ, ये देखिए कंबाइन हो जाए। ठीक है, हो गई है, कंबाइन कर लिया। इस तरह अगर इसकी एक और मैं डुप्लीकेट करना चाहूँ और इसको लेके आऊँ लास्ट पे, तो तब क्या आएगा हमारे पास? सर जी जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तब ऊपर ऑप्शन आएगी कंबाइन करने की, कंबाइन करेंगे तो जुड़ेगी, पहले आपने दोनों को सिलेक्ट ही करना है सिर्फ। नहीं, दो स्पाइरल को जोड़ा ना आपने, हाँ जी, दो को जोड़ने के लिए जब हम इसको करीब लाएंगे तब ऊपर ऑप्शन है कि ये जो बने हुए हैं डबल डबल। बिल्कुल बिल्कुल सब आएगा इसी तरह, ये आप देखेंगे कोई इस तरह ना शेप्स आपके पास बनती जाएंगी। मैंने एक और डुप्लीकेट किया है। सर डुप्लीकेट आपने कैसे किया, ये कॉपी पेस्ट किया है? कॉपी पेस्ट कर लें, कंट्रोल डी कर लें डुप्लीकेशन के लिए, उधर से हो जाएगा। ये कॉपी पेस्ट कर लें, उसको ड्रैग कर लें साइड पे कॉपी करके और बाद में मिला दें दोनों को। ठीक है, तो ये कोई भी आप इसको स्टाइलिंग देना चाहे स्पाइरल शेप को अपनी को, स्पाइरल को एक्सक्यूज मी सर, सर ये इंटरसेक्ट करना बता दें प्लीज मेरा। ये बता देते हैं इंटरसेक्ट का, मैंने बताया कि आपके पास स्पाइरल आ गया, आप उसको कोई भी स्टाइल देना चाहें, किसी के साथ कंबाइन करना चाहें, माइनस करना चाहें, कोई सा भी आप स्पाइरल यूज करते हुए डिजाइन बनाना चाहें, वो आपने कैसे कर, तो हम देख रहे थे। ये सॉरी अगर सारा हो गया डिलीट, ये मैं एक डिलीट कर रहा हूँ, चले सारा ही कर देता हूँ। ये आपके पास है दो, ये मैंने एक इसकी कॉपी कर ली कॉपी पेस्ट से, सपोज इधर आके दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, इधर ऊपर जाएं माइनस के ऑप्शन में या कंबाइन के ऑप्शन में, ये अगर इधर गया हूँ सर ये जो अभी हुआ ना आपका, सर ऐसे ही हो रहा है मेरा भी, ये ना ये क्रॉस खत्म हो जाते हैं। हाँ जी, वो आप ट्रिम जब ट्रिम करेंगे तो जहाँ पे इनकी क्रॉसिंग हो रही है ज्वाइन हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, अगर आप ज्वाइन करना चाहें कंबाइन करना चाहें कंबाइन हो जाएंगे, माइनस करना चाहें माइनस हो जाएंगे। अभी हम इनको देख लेते हैं ट्रिम करके, ट्रिम करेंगे तो इस तरह कुछ बन जाएगी आपकी शेप। ठीक है, तो फिर हो जाएंगे जहाँ पॉइंट्स मिलेंगे उधर से हो जाएंगे, वो भी करके देखते हैं एक मिनट अभी। अच्छा, ये दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, ये दोनों को ऐसे कर दिया। दानियाल आपका हो गया क्लियर? जी सर हो गया। ओके सर थैंक यू। ये हो गया, आप इसी तरह इसकी एक और कॉपी करना चाहें। ठीक है, एक और डुप्लीकेशन डुप्लीकेट कर लें, तो ये इधर रखें आगे, कोई भी शेप बनाना चाहें फिर सबको सेलेक्ट करें। ठीक है, इसको कर दें माइनस, जो भी आप करना चाहें ये इस तरह सही मैच मिले नहीं इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको दूर कर लें, पॉइंट्स ज्वाइन कर लें सही तरह। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लें, ये सिलेक्ट कर लें, ये पूरा हो गया सिलेक्ट, उसके बाद इसको ये कर दें तो ये भी ना बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, ये शेप सी आपके पास बन जाएगी बिल्कुल अलग अलग। इसके बाद आप इसको कोई कलर देना चाहें,
सर ये सिर्फ एक दफा ही मतलब हमारे पास ऑप्शन आती है कि हम इनके ये मिक्स करना चाहते हैं मतलब एक ही शेप एक बार कर लेंगे एक ही शेप दोबारा नहीं आएगा सर ऐसा क्यों है ऐसा ये है कि आपके पास रिजल्ट आ गया आपने कहा फिर आप कंट्रोल जी करें अगर चांद नहीं है जी आपने तो दो दफा किया पहले पहले दो को कंबाइन किया जब आप इस तरह फिर आपने दो को कंबाइन किया चार हो गया हां जी दो दो बार किया ना इसको इस हुआ तो दूसरी दफा तो ऑप्शन ही नहीं आती दूसरी दफा ऑप्शन आती है आप दोनों को अलग अलग सेलेक्ट करें पूरे को सेलेक्ट करें फिर ऑप्शन आएगी दोबारा नहीं आएगी आप दो सिलेक्ट करें शेप क्योंकि अगर आपने एक बार इसको ट्रिम या कंबाइन कर दिया ये तो आपके पास एक ही शेप बन गई अभी अभी इसी में दोबारा ऑप्शन नहीं आएगा तो इसके ऊपर और शेप ड्रा करेंगे स्पाइरल ये वाली अभी दोनों को आप करेंगे सिलेक्ट तब ये ऑप्शन आएंगी आपके पास ठीक है अभी ये क्योंकि है नहीं है दोनों ज्वाइन नहीं है तो इसलिए ऑप्शन भी नहीं आएगी ये आ गई आप इधर रखें सेपरेट भी हो जाते हैं सेपरेट भी हो जाते हैं करें सेलेक्ट और ये कर दें तो इस तरह ये कटिंग सी हो जाएगी आपकी शेप तो पैटर्न सा बन जाएगा ठीक है जहाँ पे दोनों ये ज्वाइन कर रहे हैं कोई सा भी आप कर सकते हैं ये रख लें इसके ऊपर ये इधर रख लें ठीक है अब इनको सेलेक्ट करें अलग अलग ऊपर वाली एक शेप थी ये कर दें इसको माइनस ये नहीं थी हुई आप सेलेक्ट इसको दोबारा कर लेते हैं ठीक है ये कुछ इस तरह से आपने बनानी है तो जो उनका भी पैटर्न वो आपने इस तरह के पैटर्न देखे होंगे बैकग्राउंड पे ना लगे होते हैं बड़े जो है ना लाइट कलर में यूज हो रहे होते हैं इसके ऊपर कुछ लिखा होता है डिजाइनिंग में जब आप करेंगे ये क्या था एक ऊपर वाली साइड में आई थी एक नीचे वाली साइड में ये खुद ही ऑटोमेटिक हो गई वो खुद ही रखी थी इधर कॉपी पेस्ट करके आपने आपने कॉपी पेस्ट की थी लेकिन आपने दो स्पाइरल बाद में सेपरेट लगाए ना जो ऊपर तो एक ऊपर वाली साइड में आ गया एक नीचे वाली साइड में तो ये आपने खुद किया था या ऑटोमेटिक हो गया मैंने खुद किया था पेज आप पेज डाउन किया था वो मैंने अब खत्म कर दिया वो वैसे ही आप लोगों को दिखाने के लिए किया था तो इस तरह ये इनको आप यूज करते हुए डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं अच्छा आप इनमें कोई कलर करना चाहें तो वो कैसे करना है आप इधर जाएं आपके पास होगा अभी आ रहा या नहीं आ रहा आपके पास ना वो कलर आ नहीं रहा दूसरा एक मिनट में सेटिंग से दिखा देता हूँ इधर से भी कर सकते हैं आप इसमें कोई कलर फिल करना चाहें इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें इसको ब्लैक कर लें रेड कर लें ओके करें इस तरह कोई कलर फिल करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं ठीक है कलर फिल करके हाँ जी कलर किस तरह अप्लाई किए वो कैंडिडेट दोबारा बता दीजिए कलर किस तरह अप्लाई किए हैं कलर अप्लाई करने हैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर दें कलर अप्लाई हो जाएगा ये कलर जो आपके पास साइड पे आ रहे हैं इनके ऊपर आप क्लिक करते हैं कलर ब्रांड वाला सर ऑप्शन है ये जो आपके पास कलर विंडो शो हो रही है ना डॉकर शो हो रहे हैं साइड पे राइट साइड पे उनमें से आप जिस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर करते हैं उसी तरह इसको कलर कर सकते हैं आप जितने डॉट्स आ रहे हैं तो ये डॉट्स हम किसी को शेप को मूव नहीं कर सकते यहाँ से थैंक यू ठीक है ये क्लियर है सबका जितने डॉट्स आ रहे हैं उससे हम चेंज नहीं कर सकते शेप को सर ये कलर किसी एक दफा भी कलर सिंपल है बिल्कुल पहले आपके पास ब्लैंक थी कोई भी कलर सिलेक्ट कर लें आप कलर हो जाएगा ठीक है ये करके देखे सब लोग हो गया सर एक इशू आ रहा है सर ये जो आपकी स्पाइरल पड़ा है इसका इसके इनर लाइन एक दफा आप एक खत्म करके दिखाना प्लीज कैसे करनी कौन सी इनर ये फर्स्ट स्टार्ट में जो की है जी सर ये जो आपके स्क्रीन पे स्पाइरल पड़ा है आर्टबोर्ड के साथ
उसमें से इनर लाइन आप रिमूव करके दिखाना है। इनर लाइन करनी है तो आप कंट्रोल के एक बार कर लें, वो हो जाएगा। इधर ऑप्शन से भी आप जाके कर सकते हैं, कंट्रोल के प्रेस करने। हाँ जी, कंट्रोल के करें या इधर ऑप्शन में चले जाएं आप, ऑब्जेक्ट में ब्रेक करना है इसको, ब्रेक अपार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, उधर से कर लें। उसके बाद सिलेक्ट करें किसी एक को, जिसको भी सिलेक्ट करेंगे वो रिमूव हो सकते हैं, दोनों अलग अलग हो गए। वाली ऑप्शन नहीं आ रही जो आपके ऊपर बॉक्सेस आ रहे हैं ना। जी, जब मैं दूसरा स्पाइरल भी ले रही हूँ ना सिलेक्ट करके, इसके करीब लाती हूँ कि शायद वो ऑप्शन आ जाए, फिर भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन नहीं आ रहा? बॉक्सेस जो ज्वाइन कर रहे हैं इसको आपस में। अच्छा, आप पहले दोनों को सिलेक्ट करें उसके बाद वो आएंगे। जी सर, मैं सिलेक्ट किया है। नहीं आ रहा आपका? हाँ तो चाहिए आपको उधर से विंडो से इसकी निकाल लेना, वो वर्क स्पेस में ये देखें आपने ऑप्शन जो है कौन सी सिलेक्ट की हुई है, सेटिंग जो है डिफॉल्ट की है, लाइट की हुई है, आपने लाइट की होंगी। ये हो गया ये सबका, इसी तरह कोई और इसकी बनाना चाहें शेप वो कैसे बनानी है, कैसे इनको कंबाइन करना है, वो शेप कंबाइन करना है या आउटलाइन और इसका। अच्छा, ये आप ठीक है, इसको आप कर लें, डुप्लीकेट करें इसका एक, ठीक है इसको। अच्छा, आप इसको एक पार्ट देना चाह रहे हैं इसको, इधर से करें ट्रिम आप, या ये कर लें, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करें इस तरह कर लें। अभी दोनों को सिलेक्ट करें और इसको करें ट्रिम, इस तरह का कोई पार्ट बनाना चाहें आप, इस सही तरह से ज्वाइन नहीं है यहाँ से, इसलिए थोड़ा सा बाहर है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे कर लें, इसको कर लें सेलेक्ट, ठीक है ये कर लें। तो इस तरह की अगर कोई शेप बनाना चाह रहे हो आप, सही रोटेट कैसे किया दोबारा बताइएगा। रोटेट वही ट्रिम कर, मिरर करना है, जिस तरह कल हम टेक्स्ट को कर रहे थे ना, बिल्कुल इसी तरह किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कर सकते हैं, मतलब जो है रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। सर, वो पार्ट ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे आ रहा है? राउंड कर रहे थे ना जी, शेप के मुताबिक हम टेक्स्ट को रोटेट कर रहे थे, यहाँ पर प्रोसीजर अलग है। सर, मैं पूछ रहा था कि जो ऑब्जेक्ट पार्ट का आपने ऑप्शन बोला था कि किसी चीज को ऑब्जेक्ट से पार्ट करवाना है, तो वो ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है? वो आ रही है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट के अंदर जाएं उधर आ रही है नीचे। सर, मैंने देखा है वहाँ पे नहीं आ रहा। सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, ये देखें ब्रेक तो पार्ट आपका है, पहले आपने उसको कंट्रोल करना है ना, वो करेंगे उसको आएगी ऑप्शन। ये टाइम पहले ये कंट्रोल F9 ये लिखा हुआ है कंट्रोल। जी सर, ठीक है, इसको पहले आप एक बार कर लें सेलेक्ट, ये आप लगाएंगे इसका यूज करेंगे तो उसके बाद वो आपको पार्ट करने देगा, ब्रेक करने देगा। सर, अभी ये अभी ये पार्ट का ऑप्शन आप दिखाना ऑब्जेक्ट में, अभी तो चेक किए नहीं है। हाँ जी, अभी चेक किया है लेकिन इधर मैंने लगाया नहीं हुआ, ये लगा देता हूँ कोई, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ये लिखा हुआ ब्रेक कंट्रोल ग्रुप अपार्ट, ठीक है ये लिखा हुआ, सही हो गया। स्क्रीन शेयर करनी हो आप आइए, आ गई है तो ये इस तरह करना है। अगर ये एक मिनट बोलने शो हो रहा, ये शोर कम कर रहे हैं जिसका भी है माइक,
एक्चुअल में सर जी जी सर एक्चुअली मुझे जाना था, मेरी मॉम एडमिट है हॉस्पिटल में सर। ठीक है जाएं आप जाएं। थैंक यू सो मच सर, मैं वो बाकी समय लूंगा प्रिया नाथ से। ठीक है आप अदाफिश ओके ठीक है। अगर एक मिनट इसको तो ठीक है, मैंने बताया कि इसके बाद अगर कोई कलर आप करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं इजीली। ये कलर किया था हमने, या इसी तरह इसको शेप के साथ मिलाना चाहें, कंबाइन करना चाहें आप इसको कर लें। एक और इसका हमने किया, इसको कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा रोटेट करूं, अगर इसको इधर रखूं रोटेट करूं जिस तरह भी मैं इसका यूज़ करना चाहूं। ठीक है, इधर इसको कंबाइन कर लें, ये सबको आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, इसको सिलेक्ट करें, नीचे वाले को करें। ठीक है, आप इसको ट्रिम कर दें तो ये देखें आपके पास एक डिफरेंट सा डिज़ाइन बन जाएगा। अगर इसी तरह इनको माइनस कर दें तब और डिज़ाइन बनेगा, कुछ और कर लें। ये आगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, वो आप प्रैक्टिस करके देखें जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए हो जिस तरह का। मैं ये कर रहा हूँ सपोज करें, उसके बाद कलर फिलिंग करना चाह रहा हूँ वो आप कर सकते हैं। इधर हमारे पास टूल आ रहा है एक, जो स्मार्ट फिल टूल होता है आपके पास, ठीक है वो आ रहा है, उससे कोई कलर फिल करना है। ये अभी ये हुआ पड़ा पहले ही, इसका मैं चेंज कर लेता हूँ, कोई और कलर फिल करना चाह रहा हूँ या ब्लैक करना चाह रहा हूँ। उसके बाद टूल सेलेक्ट कर लें स्मार्ट फिल, ठीक है ये अभी काम क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि कंबाइन करने के बाद सारा एक ही कलर होगा। हाँ जी, कंबाइन करने के बाद सारा कलर एक ही होगा। कंबाइन करने के बाद एक ही होगा। तो अगर हम पहले कलर करके बाद में कंबाइन करें फिर क्या होगा? फिर भी हो जाएगा, ये इसको कलर कर दें कोई सा भी जो सा भी आप करना चाहें। कंबाइन करना चाहें लेकिन कलर डिफरेंट रखना चाहें फिर क्या सर, कैसे करें? कंबाइन कर दिया तो फिर कलर कैसे डिफरेंट होगा? पहले कलर कर लेंगे बाद में कंबाइन कर लेंगे, कलर डिफरेंट नहीं रहेगा बस शेप करके देख करके देख। जी एक बार दोबारा बताने जरा, दोबारा एक बार बताइए करके देखें बिलाल, फिर मुझे बताना। पूछना हो सकता है कि नहीं? क्या पहले कलर कर ले बाद में उसको शेप को कंबाइन कर ले तो चारों का डिफरेंट कलर नहीं होगा? करके देखिए ना क्या रिजल्ट आता है। एक ही रिजल्ट आएगा जब आपकी शेप ही कंबाइन हो के एक बन गई है तो फिर डिफरेंट कलर तो नहीं आएगा। सर जैसे हम पाम फाइट रोल में हम करते थे वो भी एक ही कलर आता था? हाँ जी बिल्कुल। तो ये क्लियर हो गया सबको, तो आगे चलें। ये स्पाइरल का था कि आप इससे डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, इनको कंबाइन करके, इनको ट्रिम करके, जो सी भी आपको शेप चाहिए वो आप बना सकते हैं। ठीक है, आउटलाइन का कोई कलर चेंज करना चाहें, इसके ज़्यादा करना चाहें भी आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है सर, वही मेरा प्रॉब्लम नहीं भी सॉल्व हुआ, मैंने देखा है वो ना ब्रेक अपार्ट करने के बाद वो सेपरेट नहीं होता, उसके बाद कैसे? ब्रेक अपार्ट किया आपने? जी सर किया है।
बाद सर इसको सिलेक्ट जिसको सिलेक्ट डिलीट करता हूँ वो नहीं होता, वो बिल्कुल पूरा ऑब्जेक्ट ही डिलीट होता है। ये देखें, ये आपने कर दिया, इसको वैल्यू दे दी कोई, उसके बाद आप जाएं ऑब्जेक्ट में, इसको करें ब्रेक काउंट काउंटर टूल, ये लिखा हुआ है आपके पास ब्रेक काउंटर टूल, हाँ जी ये आ गया आपके पास। उसके बाद आप इसको बिल्कुल अनचेक करें, अनसेलेक्ट करें, उसके बाद कोई सा भी सपोज ये बाहर वाली आपने करनी है उसको पकड़ के साइड पे कर दें, अगर इस तरह डिलीट नहीं हो रहा, अंदर वाली करनी है उसको पकड़ के साइड पे कर दें, इधर बाहर आके आप डिलीट प्रेस कर दें, डिलीट हो जाएगा। या आपका हो रहा है दोनों सेलेक्ट, या आपका अपार्ट नहीं हुआ इसलिए ये इशू आ रहा है। सर मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, करें शेयर करें। सर ये आ रहा है ना, मैं एक दफा शुरू से करूँ। सर ये इसको अनग्रुप करने के लिए क्या करेंगे, सारी ऑब्जेक्ट ग्रुप में हो गई हैं, इकट्ठी मूव कर रही हैं, अनग्रुप करना है। अच्छा जी बताते हैं वो भी कैसे करनी है। आपने दोनों शेप सेलेक्ट की नहीं, आई थिंक एक शेप को सेलेक्ट करेंगे तो वो अपार्ट होगी ना। करें इसको डिलीट, अगेन सर ये वही वाली स्पाइरल फिगर बन रही है मेरे उसके कर्सर के अकाउंट। इधर आपने नहीं हो रहा सेपरेट सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करके फिर इसको आप पकड़े ना, आप स्पाइरल के साथ उसको क्लिक करें, ये करें तो सेंटर वाले साइड पे करें, साइड पे क्लिक करें ना, इसके साइड पे क्लिक करें अपनी विंडो के साइड पे, अब करें इसको, अब करें उधर से स्लाइड, इसको पकड़े अंदर वाली ब्लैक को, हो गया सर, डिलीट करें इसको। थैंक यू सर, हो गया। वो आपका पहले सिलेक्ट था, दोनों सिलेक्ट थे इसलिए नहीं हो रहा, अलग अलग सिलेक्ट करने हैं फिर। ठीक थैंक यू। ठीक है तो ये क्लियर हो गया। आप इस तरह स्पाइरल को यूज करते हुए डिफरेंट पैटर्न बना सकते हैं, आप बनाना चाहें जहाँ भी जरूरत हो। सर इसको अनग्रुप करने के लिए भी बता दें, ये जो आप फिगर हमने ग्रुप कर दिया, इसको चार फिगर्स को इकट्ठा कर दिया, अब इसको अनग्रुप करेंगे, अगर अलग अलग से दोबारा उसी शेप में लाना होगा तो क्या करेंगे? ये अनग्रुप नहीं होगा, अनग्रुप नहीं होगा, ये आपको कंट्रोल जी करना पड़ेगा, आपने शेप को अगर कम्बाइन कर दिया है तो अनग्रुप नहीं होगा। अगर सिंपल आपने ग्रुप किया हुआ है तो मैं वो आपको करके दिखा देता हूँ। यार हाफिज बिलाल यार कितनी बार कहा है, शोर आता है, आप म्यूट कर लिया करें अपना माइक काइंडली। पूरे घर को पढ़ाते हैं। अच्छा ये आप कह रहे हैं कि इनको ग्रुप करना हो तो वो कैसे करना है? आपके पास सपोज ये डिफरेंट हैं शेप्स, यही वाली हैं जिसकी मैं एक और डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक है इधर कर चलें, पहली वाली भी ले आते हैं। अगर ये हमारे पास, इसको किया मैंने कंट्रोल के, इसको एक को डिलीट किया। ठीक है इसको मैं करना चाह रहा हूँ ग्रुप, इधर से कर लेते हैं, दोनों को सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी कर लें या राइट क्लिक करके भी ग्रुप का ऑप्शन आ रहा होता है आपके पास, उधर से भी कर लें। दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, ये इधर आ रहा होगा कहीं ग्रुप,
ग्रुप ऑब्जेक्ट आ रहा है कंट्रोल जी, ये आपके पास अभी एक बन गई है। ये मुबीन नैयर आपका भी क्वेश्चन था, इनको अलग कैसे करना है, जब आप शेप को कंबाइन करते हैं तो वो अलग नहीं होती, वो आपकी एक ही शेप बन जाती है, उसको अलग नहीं कर सकते। अगर आपने ग्रुप किया होता है, ग्रुप किया होगा, वो अनग्रुप कर सकते हैं आप। शेप कंबाइन हो गई हैं, ट्रिम हो गई हैं या मर्ज हो गई हैं आपकी, ठीक है, उनको आप नहीं अलग कर सकते शेप को। ये आपके पास आ गया ग्रुप करके, एक ही रिजल्ट बन गया। ये मैं देखें इसको मूव करूँ या जैसे मर्जी करूँ, ये ग्रुप है, तो इसको अनग्रुप करना है। इधर राइट क्लिक करें आप, ठीक है, अनग्रुप ऑप्शन आपके पास, ये कंट्रोल यू से भी कर सकते हैं या फिर ये अनग्रुप करेंगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अनग्रुप कर सकते हैं, कंबाइन कर दिया आपने तो फिर शेप्स आपकी अलग नहीं होंगी। क्लियर है ये सबका क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस तरह आप इसको यूज करते हुए डिफरेंट पैटर्न बना सकते हैं। ये आप देखें ना, कोई वो बना होता है सर्टिफिकेट वगैरह, तो उसके कॉर्नर पे ना बिल्कुल इस तरह के पैटर्न वगैरह लगे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, वो आप सारे आप ड्रा कर सकते हैं, जैसे ड्राइंग कर सकते हैं, इस तरह लगे होते हैं वो छोटे छोटे बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर। इसका स्ट्रोक अभी बहुत ज़्यादा है, इसको एक पे कर, ठीक है, इस तरह के लगे होते हैं। आप इसको कॉपी करते जाएं, ऐसे साइडों पे ना लगे होते हैं पैटर्न डिफरेंट किस्म, तो आप इस तरह के देखें तो वो स्पाइरल को आप यूज़ करते हुए कुछ भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर है सबका, तो नेक्स्ट चलें, काफ़ी टाइम हो गया इसके ऊपर शायद। जी सर। जी सर। बस करते सर जी, मुझे थोड़ा काम है, मैंने जाना है, आप करा देंगे, मुझे भूल जाएगा तो जाएं भाई, नमाज के बाद, नमाज के बाद आप काम कर रहे हैं सर जी? काम है, कर रहे हैं आप सर, हम कौन सा आपको मना कर रहे हैं? आप करा देते हैं, फिर कुछ समझ नहीं आती, इतना आगे गुजर जाते हैं आप, मैं देख कर आया तो ठीक है, फिर आप काम ना करें, क्लास ले लें। वैसे भी थोड़ा 10 मिनट ही रह गए ब्रेक होने में, 10 मिनट में आप कुछ ना कराएं, बच्चों को नहीं सर, ने कहीं जाना है तो पूरी क्लास को रहने दें। नेक्स्ट चलें तो इधर स्पाइरल के ऊपर ही एक और टूल है, ग्राफ पेपर टूल। ये आपने ग्राफ वगैरह बने देखे होंगे, यूज़ भी करते हैं ऑटोमेटिकली किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, या आपको असाइनमेंट में प्रेजेंटेशन में ज़रूरत पड़ जाए, वो कैसे ड्रा करते हैं सिंपल इसके ऊपर आएँ ग्राफ पेपर टूल के ऊपर, ठीक है, इसको ड्रा करें, इधर से स्टार्ट करना शुरू करें, ये आपको एक बना देगा इधर ना ग्राफ जो भी आपको चाहिए। इसको कलर करना हो कलर करें आप, जैसे भी करना है, ठीक है। अभी इसका टूल है वो पता नहीं क्यों नहीं वर्किंग कर रहा, स्मार्ट फिल टूल होता है ना, वर्क नहीं कर रहा, ये पता नहीं क्यों इनएक्टिव है। अच्छा, तो इसको आप अलग अलग कलर कर सकते हैं स्मार्ट फिल टूल से, वो अभी मैं उसको देखता हूँ क्यों नहीं काम कर रहा। तो ये इस तरह आपने ग्राफ जो है वो ड्रा करना, अगर इसकी वैल्यूज़ आप देखें, मैं फिर ग्राफ के ऊपर ही जाता हूँ, ग्राफ के ऊपर गया, ये ऊपर वैल्यूज़ आ रही हैं इसकी, कि आपने सेल कितने, कॉलम कितने लेने हैं, रोज कितनी लेनी है, वो सारी आ रही हैं। मैं इसको ज़्यादा करके देख लेता हूँ, 8x8 का करता हूँ, तो वो देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। फिर इधर से ड्रा करता हूँ तो 8x8 का ये ड्रा कर देगा, ठीक है। ये लाइन की जो थिकनेस है ये कैसे कंट्रोल होनी है, ये बिल्कुल इसके साथ आगे ऑप्शन आ रहे हैं, ऐसे कर लें, मैं 4 करता हूँ तो ये ज़्यादा हो जाएगा, जितनी भी आपको रिक्वायर्ड है वो आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये आपके पास ग्राफ के लिए है, ग्राफ को आपने कैसे यूज़ करना है सर, अगर ग्राफ की लाइनों को हमने कलर करना हो, जैसे रेड कलर का ग्राफ और ब्लू कलर का, तो ये भी हो सकता है इसमें? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, ये ना इसका
होता है टूल आपके पास स्मार्ट फील टूल, ठीक है, वो वर्किंग नहीं कर, वो करता है तो आपको बता दें। ये इस तरह कह रहे हैं आप सर? अभी तो ब्लैक ही नजर आ रहा है मुझे। हाँ जी, तो कौन सा करना चाह रहे हैं आप? नहीं सर ये नहीं, ये तो अंदर कलर हो गया ना सर, ये ब्लैक कलर का जो ग्रास साइज है जैसे लोअर कॉलम, इसको कलर करना हो। हाँ जी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये तो अंदर कलर हुआ है ना इसके? जी हाँ जी, ये जिस तरह आप कह रहे हैं उस तरह भी हो जाएगा। ये ना इसके टूल की सेटिंग करने वाली मैं अभी करके दिखाता हूँ, ये ब्रेक के बाद। ये स्मार्ट फील टूल इसका वर्क नहीं कर रहा, वो इसी काम के लिए होता है, ये पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा। सर ये नंबर ऑफ बॉक्सेस आपने कैसे इंक्रीज किए? सर ये मेरे साइड पे बार पे तो ये आ ही नहीं रहा ग्राफ वाला ऑप्शन। वो पॉलीगॉन के अंदर है ना, पॉलीगॉन के अंदर उधर से आप करेंगे। अच्छा किधर गए वो कैसर नजर ने पूछा था, अभी क्वेश्चन पूछते थे कि कलर कैसे करना। मनान साहब पूछ रहे थे शायद। हाँ जी मनान साहब, इसको कलर कैसे करना हो, किसी भी एक सेल को करना है, आप ये सिलेक्ट करें इधर से, ठीक है, स्मार्ट फील टूल होता है उसको कहते हैं स्मार्ट फील टूल, किसी को भी आप करना चाहें, ये नीचे वाले को करना चाहें, इधर करना चाहें, ये ग्राफ आप बनाना चाहें, ठीक है, वो आप ड्रा कर सकते हैं इस तरह। कलर चेंज करना चाहें इसका, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। आई थिंक आपका यही क्वेश्चन होगा। नहीं सर, मैंने ये नहीं पूछा मैंने आपसे, मैंने ये पूछा है कि ये जो ग्राफ यानी कि ब्लैक कलर का जो रोज एंड कॉलम्स है, इसका कलर चेंज करना जो कि। हाँ जी, तो वो कर लें आप चेंज, ये नीचे आ रहे हैं आपके पास कलर, इधर से कर लें आप, F12 प्रेस कर लें, उधर से कर लें, ये कलर है आप, इसको कोई येलो कर लें, जो सा भी आपका दिल करे, इधर से कर सकते हैं आप। जी सर, ये क्वेश्चन था। जी सर ये हो गया कलर, ये आप चेंज कर सकते हैं। तो ये था ग्राफ, आपने कोई असाइनमेंट में प्रेजेंटेशन में इस तरह की आपको ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती रहती है, वो करनी हो उसके लिए ये ग्राफ को कैसे यूज़ करना है, उसके सेल का कलर जो है कैसे चेंज करना है, इधर कोई वैल्यू लिखनी हो, हम ग्राफ बनाते हैं कोई प्रेजेंटेशन में या सॉफ्टवेयर के अंदर देखते हैं, तो ये इधर डिफरेंट कलर आ रहे होते हैं, ठीक है, और ये लिखें ब्लैक आ रहा है तो साइड पे अगर जाके इस तरह इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, ये इधर कलर होगा इस तरह छोटा सा साइड पे बना होगा और इस साथ इसका यूज़ लिखा होगा कि ये कलर किस लिए यूज़ होना है, ठीक है, ये कलर है, आप नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी कि ये वैल्यू है, ये इंक्रीज हो रहा है, पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, जो भी इसकी डिस्क्रिप्शन होती है वो लिखे होंगे, इसी तरह नीचे वाले पॉइंट्स हैं उनका भी लिखा होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा सर आपने नंबर बॉक्स अच्छा सर वो बताते हैं आपका क्वेश्चन, इस तरह ये लिखा हो, ये कलर और आगे इनकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स लगे होते हैं। अच्छा पहले दानियाल आपका ले लेते हैं क्वेश्चन, ये इधर जाएं आप सिलेक्ट करें अपने इसको जो ग्राफ है इसको सिलेक्ट करें, ग्राफ पेपर ये आपने आ रही हैं 8 8 8 8 अभी हमने सिलेक्ट किया हुआ, इसको कम ज़्यादा करके देख लें, 10 कर लें, 9 कर लें, जितनी भी आपने करनी है कम ज़्यादा करके देख लें, 6 6 से करें आप, 6 6 से करें, इधर ड्रा करें आप तो 6 by 6 का जो है ना वो ड्रा कर देगा आपको, ठीक है, ठीक हो गया, ये क्लियर है आपको। इसी तरह आपने कोई वैल्यूज़ के लिए कलर चेंज करने हैं, कलर फील करना है सब में अलग अलग, अगर एक साथ ही करना है तो आप इधर से सेलेक्ट करेंगे एक बार में ये सारा चेंज कर देगा। अगर आपके पास एक टूल होता है स्मार्ट फील टूल, स्मार्ट फील टूल वो यूज़ करेंगे, जितने एरिया पे आप क्लिक करेंगे सिर्फ उसी को कलर करेगा, जो भी आपका कलर हो सिर्फ उसमें वो करेगा। मैंने ये सिलेक्ट किया और इधर आके इसको क्लिक किया एक बार, इसने ये कलर कर दिया, ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ, या इधर से स्टार्ट कर लें, ठीक है, इस तरह कलरिंग जो है वो सर ये आपका
एक एक बॉक्स सिलेक्ट हो रहा है, हम करते हैं तो पूरा ग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। हाँ जी, वो पहले आप टूल सिलेक्ट कर लें, इस तरह वो आपकी एक गेम भी है चेस, वो भी इसी तरह कलर्स वगैरह उसमें लगे होते हैं। ठीक है, अच्छा क्या कह रहे हैं मनान साहब आप? सर ये आपने एक एक यानी कि बॉक्स सिलेक्ट करते हैं ना, तो एक एक बॉक्स ही सिलेक्ट हो रहा है, तो हम जब एक बॉक्स में सिलेक्ट करता हूँ तो वो पूरा ग्राफ ही सिलेक्ट हो जाता है। ये पहले आपने ग्राफ के ऊपर एक बार क्लिक करना है, जी क्लिक हो गया, उसके बाद आपने टूल पे जाना है, ये आ रहा नीचे ना स्मार्ट फिल टूल, जी जी जी, इसको करना है क्लिक, फिर किसी भी ये आए आप किसी भी डिब्बे में आप आए, ये बॉक्स किसी भी बॉक्स में आए उधर आगे क्लिक कर दें एक बार। ठीक है, जब ये प्लस का साइन आ जाए आपके पास सब कलर फिल होगा, प्लस का साइन ये आ गया मेरे पास। ठीक है, ये नीचे आ गया, इधर आ गया, जिधर भी आप कलर फिल करना चाहें वो कर देगा, और जो सा कलर आप फिल करना चाहें पहले आपने कलर चेंज कर लेना है, इधर ऊपर आपके पास कलर बाहर आ रही है इधर से कलर कर लें, उसके बाद फिल करें तो वही कलर पिक करेगा जो आपने सेलेक्ट किया ऊपर से। इस तरह मैं और कलर करना चाह रहा हूँ नीचे वाले बॉक्सेस को, एक बार आगे कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इधर आता हूँ कलर करूँगा तो यही कलर करेगा जो मैंने किया हो। ठीक है, इस तरह ये है ग्राफ का यूज, स्मार्ट ग्राफ इसको कहते हैं। सर मेरे पास स्मार्ट फिल टूल नहीं आ रहा। स्मार्ट फिल टूल नहीं आ रहा आपके पास, इधर जाएं। हाँ जी, ये नीचे जाएं, आप प्लस का निशान बना हुआ है टूल्स ऐड करने के लिए, ये आपकी बार की इधर सेटिंग होगी, इस बार को बार को आपने स्मॉल करना है या बड़ा करना है, लार्ज करना है, वो भी ऑप्शन आ रही होगी इधर, देखें अगर सेटिंग में कहीं। सर ये प्लस वाला अपना जरा सेलेक्ट करें, मेरे पास जब मैं प्लस को कर रही हूँ तो वो और इतना कुछ मतलब उसमें आ रहा है। हाँ जी, उसमें देख लें नीचे, नीचे जाएं तो इधर होगा कहीं स्मार्ट फिल, ये लिखा हुआ स्मार्ट फिल टूल। ठीक है, इसको आप चेक कर दें, आपका अनचेक होगा इसको चेक कर दें तो इधर आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। सर स्मार्ट फिल टूल में मैं कर रही हूँ, सर ब्लैक ही आ रहा है, सर इसके कलर्स कैसे चेंज होंगे? हाँ जी, इसके कलर कैसे चेंज होने, इसके कलर चेंज होने आप पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे एक बार, वो ऊपर देखें अगर इसकी प्रॉपर्टीज में तो कलर भी इसका शो हो रहा है कि अभी ग्रीन सिलेक्टेड है। जी ठीक सर, है जी, इधर से आप चेंज कर लें कलर, इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें या आप ड्रॉप बॉक्स के ऊपर क्लिक कर लें, कलर सिलेक्ट कर लें जो सा भी आपने करना है, पर्पल कर लें जो सा भी आपको है जो आपने यूज करना है उसको सिलेक्ट करें, और फिर इधर आगे एक बार क्लिक करना है आपने, वही कलर पिक होगा जो आपने उधर सेलेक्ट किया हुआ है। जी सर, ठीक हो गया, ये सबको क्लियर है इसका यूज, ग्राफ का था आपके शेप टूल में ही था, इसलिए हम वन बाई वन सबको ही आज क्लियर कर रहे हैं ताकि किसी भी चीज की आपको जरूरत पड़े तो आप इजीली यूज कर सकें। पहले आपने ये अपनी शेप को क्लिक करना है इसके ऊपर, ठीक है, उसके बाद आपने टूल को सिलेक्ट करना है और तब फिल करना है, पहले शेप सिलेक्ट करें जिधर कलर करना है आपने। हो गया आपका? नो सर, नहीं हो रहा। पहले शेप सिलेक्ट कर लिया आपने, इतना हो गया आपका? यस सर, शेप सिलेक्ट कर लिया, जैसे ही वो टूल सिलेक्ट करते हैं वो डिसलेक्ट हो जाती है। ये देखिए मैंने स्मार्ट फिल किया है तो नहीं हुई डिसलेक्ट, स्मार्ट फिल टूल किया मैंने सिलेक्ट, इधर आके क्लिक किया एक बार तो ये कलर फिल करना स्टार्ट कर दिया। जो सिंपल इसी से सिलेक्ट करना है, ये जो ऊपर आपका सिलेक्शन टूल है, पिक टूल है जो लिखा हुआ, उसके आगे जी चले। ये आप ब्रेक करनी है आप लोगों ने या कंटिन्यू करें? सर ब्रेक कर लेते हैं। जी सर 5:05 तक। चले ठीक है, अभी 4:35 हो गए हैं, 5:05 तक आपकी ब्रेक है, तो उसके बाद जो टूल्स रह गए हैं उनको भी आज कवर करते हैं, ट्राई करते हैं उनको भी आज कवर करने के बाद आपको इन्हीं की असाइनमेंट वगैरह मिलेगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज अभी काफ़ी सारे रहते हैं इनमें से ना, सबके डिफरेंट यूजेज हैं, तो ब्रेक कर लें आप लोग 5:05 तक। सर फिर आके मुझे बताइएगा, जो स्मार्ट फिल टूल है ना वो मेरा वहाँ पे चेक्ड है लेकिन पता नहीं कहाँ पे बाहर आके काम नहीं कर रहा, वो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा।
चलें वो देख लेते हैं अभी, आप ब्रेक कर लें। ओके सर। ये करके ये देखे सर जैसे मैं करती हूँ ना ये सिलेक्शन चली जाती है अब ये देखो सिलेक्शन टूट मेरा काम सर ये मुझे लग रहा है इनकी भी वही मिस्टेक है। ऑफसेट देखिए 457.2 mm मेरा इंचेस में था तो मेरा नहीं हो रहा। अब ये देखो मेरा पिक टूट भी है सर, क्या किया जा रहा है? अरे ये सेट करता था, उस सेट भी नहीं करा। ये उतर आया आपका सही सिलेक्ट हो रहा है। ये देखिए अभी इधर चला जाता है थोड़ा स्लो होगा लेकिन कर रहा है वर्क स्लो होगा थोड़ा ये देखो ये एरो बनता था तो इसके ऊपर करें ना एक बार क्लिक। अब हो गया ये सर हो गया ना। आपने अपने नीचे वाला सिलेक्ट कर लिया सर। ऊपर वाला ही है। ये 457 है, इसे 20 कर दूं। 20 कर दिया। और अब अप्लाई कर दूं? सर कर दूं करें। ये हो गया। नहीं हुआ। ये देखिए क्या बन गया। ये बहुत आपने mm किया हुआ है, ये बहुत ज्यादा साइज है mm में। इसको कम करें, इसको करें 2 करें सिंपल। 20 की बजाय 2 करें इसको। वैसे करें इधर टाइप करके लिखें 2। अब करें। क्या हुआ? अब हो गया सर, ये देखिए। जी हो गया अब सही। यस सर, थैंक यू। बहुत ज़्यादा वैल्यू दी हुई है आपने mm में, वो बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है। सर जो हम पेज जब हम सेलेक्ट करते हैं तब मतलब न्यू फाइल तब हमें चाहिए कि हम उसको पिक्सल में लें। वो आप पिक्सल में ले लें, पिक्सल में रखते हैं अभी। वो दूसरे जो साइज में कम ज़्यादा होते हैं ये। अच्छा ये इधर से आपने करना है इसका स्मार्ट फिल टूल, ये नीचे आपके स्मार्ट फिल टूल ये लिखा भी हुआ है, ये आपने करना है इसमें क्लिक एक बार। स्क्रीन शेयर नहीं है। इधर से स्मार्ट फिल की ऑप्शन आती है और वो वहां से सिलेक्ट है मतलब टिक है वहां पे, लेकिन बाहर मुझे कहीं नजर नहीं आती। ये नीचे आप देखे ना ये एरो नहीं लगे हुए दो सबसे नीचे लेफ्ट साइड पे सबसे नीचे, उसको करेंट लिख उधर से निकल आएंगे वो इधर, क्योंकि लिमिटेड स्पेस है तो जो एक्स्ट्रा टूल्स होते हैं वो इधर चले जाते हैं। ठीक है हो गया सिलेक्ट। प्रिया नाज ये कलर है आपने सिलेक्ट किया हुआ है स्मार्ट फिल टूल, उसको एक बार सिलेक्ट करें, इधर आगे क्लिक करें किसी भी बॉक्स के अंदर। ये मैंने क्लिक किया, इसने कलर पिक कर लिया। अब मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ इधर से कोई कलर, ये वाला कलर चेंज हो गया। अब नेक्स्ट बॉक्स में जाता हूँ, इधर कलर करता हूँ तो वही पिक कर लेगा। स्क्रीन शेयर है सर, स्क्रीन हेल्ड हुई है आपकी।
शायद मेरी तरफ से तो शेयर ही आ रहा है, पता नहीं हेल्प हो रही है, शेयर हो रही है लेकिन यहां पे ना स्टक हो गया सर। सही है, मुझे बिल्कुल सही आ रहा है, सब कुछ सही है। ये मैं बना रहा था अगर अपलोड करने, ये बेहतरीन है मेरा वाले यो LMS ना। हां जी, हुई है, जब शेयर हो जाए तो मुझे बताइएगा। ये है LMS कोर्सेज कंपोनेंट एनरोलमेंट एग्जाम्स किसका है? टाटा का, टाटा EDTech works.com टाटा का है, टाटा का उन्होंने नया बनाया है ना, EDTech works ये होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट टाटा आगे पता नहीं सीरियल लगानी तो लगा लें, मर्जी है नहीं मर्जी, ये खुद ही उधर से आ रहे हैं। वैसे जो फाइल बनी है उसमें नहीं है, उसके कॉलम ये हैं, वो अपनी मर्जी है, खुद लगाएंगे। आपका मेकअप बर्बाद हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, ये हो गई स्क्रीन शेयर आपके साथ तो नहीं अभी? सर स्क्रीन शेयर है पर मेरे पास वो स्मार्ट जो नीचे एरो नहीं आ रहे। नहीं नहीं अपने पे ये मैंने किया हुआ। अच्छा ये देखें, आप इधर से निकाल सकती हैं टूल, किधर गया जो भी काम किया था। प्रिया नाज वो आपको समझ आ गई इसकी, ये हमें ड्रा किया था, उसके बाद टूल को सेलेक्ट करना है, इधर आगे कलर फिल करना है, स्मार्ट टूल मैंने सेलेक्ट किया, ये कलर फिल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में कोई और कलर करना चाहें, जब इस तरह का टेबल ड्रा कर रहे हैं इधर से जाएं, कलर सेलेक्ट करें और इधर कहीं पे भी आप क्लिक करें बॉक्स के अंदर, ठीक है, वो कलर फिल हो जाएगा। इस तरह करते जाएँ, कलर चेंज करके देख लें कोई और। ठीक है, पहले कलर सिलेक्ट करना है, ठीक है आपने, और ये इस तरह कोई भी आप करा दे आपकी आवाज नहीं आई, आप इधर चैट में टेक्स्ट कर दें, आपके नेटवर्क का इशू है कोई, हमारा ही खराब है। सही है, स्मार्ट टूल इंटरैक्टिव टूल है ना, उस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो मैश फिल, स्मार्ट फिल और इंटरैक्टिव फिल तीनों ऑप्शंस आ रही हैं ये 2020 वाले में। उसमें स्मार्ट फिल है ना, उसको चेक कर दें बस। यस सर, ये किसी ने क्वेश्चन किया था कि स्मार्ट फिल नहीं आ रहा, तो ये इंटरैक्टिव टूल में ही आ रहे हैं ये तीनों, तीनों आ रहे हैं ना, उसके लिए थोड़ा एडवांस होगा, उसमें से चेक कर लें जो भी करना है। तीन चार कलर्स के ऑप्शन आ रहे हैं, अगर तो उनमें से सिलेक्ट कर लें। ये इसके अलग अलग आ रहे हैं, इंटरैक्टिव और ये नीचे पड़ा हुआ स्मार्ट फिल, थर्ड एक और है, तो आपके सारे एक साथ ही पड़े होंगे। सर हो गया, थैंक यू, क्लियर हो गया सबका, क्लियर हो गया तो आगे चलें। जी सर, यस सर, ये क्लियर है, चलें आगे चलते हैं। दूसरा टूल है इसके बाद लिप्स हो गया, उसके बाद अगर देखें ये बेसिक शेप्स हैं इधर ना, पड़ी हुई पहले की बेसिक शेप्स, इनमें से देखते हैं। ये देखो फर्स्ट वाली ड्रा करेंगे बेसिक शेप, ठीक है, ये आपको डिज़ाइन करने की बजाय आप इधर से भी ले सकते हैं कि आपको अलग अलग सारी शेप्स जो हैं वो ड्रा करनी पड़े, जैसे रेक्टेंगल से आप कर रहे थे इसको सिलेक्ट करने के बाद, इस तरह आप रेक्टेंगल से कर रहे थे अलग अलग, बिल्कुल ऐसे बना रहे थे, ड्रा कर रहे थे, ठीक है। हेलो
वालेकुम सलाम जी सर, बैठी थी ठीक ठाक। सर आप करें 7 के बाद कॉल, अभी तो क्लास चल रही है तो मैं आपको बैठ अच्छे और तो ठीक है। ये शेप्स हैं तो अगर इसी के ऑप्शन में जाएं हम, ये पहले हमने शेप सेलेक्ट की हुई थी ये वाली, अगर ऊपर जाएं आप इसकी प्रॉपर्टी मेन्यू में तो उधर आपको शेप के ऊपर क्लिक करेंगे। स्क्रीन शेयर हो गई है सबके साथ? स्क्रीन शेयर है जी सर। जी सर। तो इसी तरह आप क्लिक करें, इस शेप के ऑप्शन में जाएं तो उधर डिफरेंट शेप्स बनी हुई हैं, बजाय कि आप हर शेप अलग अलग ड्रा करें, इनकी कटिंग करें, मर्ज करें और रेक्टेंगल जो है शेप उसका बार बार यूज करके आप ड्रा करें, ये आपको काफी सारी ऑप्शन जो है ना बाय डिफॉल्ट दे देता है कोरल ड्रा। सर ये मेरे तो बेसिक सर बेसिक टूल्स का ऑप्शन कहाँ आ रहा है? ये तो मेरे नहीं आ रहा 2020 में। कौन सा बेसिक टूल का? सर ये जो अभी आप कर रहे हैं इसी में कॉमन कॉमन शेप्स। ओके ठीक है, ये इधर से आप सिलेक्ट कर लें कोई सी भी शेप, आप देखें इसको ड्रा कर लें। ये फर्स्ट सेकंड वाली मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको ड्रा कर लें, इसको जैसे मर्जी इसके एजिस मूव कर लें, इसको कलर कर लें, इसकी विड्थ हाइट चेंज कर लें। ये लिखी हुई है, मैं 250 इसको करके देखता हूँ। ठीक है, ये कम हो गई है। इसी तरह इसका लॉक ओपन करें तो दोनों एजेस रिलीज हो जाएंगे, अगला कर सकते हैं। मैं 300 कर रहा हूँ, ये 300 होगी, नीचे वाले को मैं 500-600 करके देखता हूँ। ये हाइट है इसकी, ऊपर वाली हाइट है, नीचे वाली हाइट है, इधर से वैल्यूज चेंज कर लें अगर आपने करनी है। इसको रोटेट करना है, इधर कोई एंगल दे दूँ मैं, फर्ज करें 180 पे इसको मैंने रोटेट करना है तो ये 180 पे रिवर्स हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। इसी तरह 360 पे करना चाहूँ, एंगल चेंज करना चाहें आप वो कर सकते हैं, फिर सीधी होगी। या 90 पे करना चाहें बिल्कुल 90 पे इस तरह हो जाएगी, ये रोटेशन है शेप की। तो जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहें, इसका कलर फिल करना चाहें वही ले लें आप, स्मार्ट फिल टूल उससे आप फिल कर सकते हैं जो सा भी कलर इसमें करना है आपने। ठीक है, ये दोनों करने की सिलेक्ट एक होगी। इसी तरह अगर कोई और शेप जो है ड्रा करना चाहें आप, उधर ही आए शेप्स में, शेप्स में आता हूँ। ये देखें अभी बहुत सारी शेप्स बनी हुई हैं, मैं इसको करता हूँ। ये अगर आप वैसे खुद से ड्रा करेंगे बनाना चाहेंगे तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग है, इतना भी नहीं, लेकिन आपको हर चीज़ अलग अलग करनी पड़ेगी। तो इस तरह आप इन शेप्स को ऐसे यूज़ कर सकती हैं। मैं फिर कलर में जाता हूँ, स्मार्ट फिल में इसको फिल करता हूँ, फिर कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा डार्क, और इधर कोई और कलर करना चाह रहा हूँ, नीचे वाला यही, साइडों पे और करना चाह रहा हूँ, इसको करूँगा स्मार्ट फिल से। इस तरह मैं ये यूज़ कर सकता हूँ अगर अलग अलग भी करना चाहूँ। इसको सिलेक्ट करता हूँ सारी को, जहाँ पे भी आपने एडजस्ट करना। डिज़ाइनिंग के दौरान आपको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी, जब आप कोई बड़ी चीज़ें ड्रा करेंगे, फ्लक्सीज वगैरह या बैनर, उनमें इस तरह की शेप्स वगैरह आपने देखी होंगी। एलिप्स टूल के अंदर कोई पिक्चर्स लगी होती हैं, कोई टेक्स्ट लिखा होता है, इस तरह की शेप्स बनी होती हैं, तो आप उनको ईजीली इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अगर करना चाहें बड़ी, इसको पूरी विंडो पे के ऊपर लेके आना चाहे, तो इस तरह की भी आपने देखी होगी, इधर कोई नाम वगैरह लिखा होता है। ये लिखा होता है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। 2020 में ये शेप्स कहाँ है? कॉमन टूल में होंगी, कॉमन टूल्स में होंगी। ठीक है, तो ये इस तरह की विंडोज वगैरह डिजाइन करने के लिए, कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने के लिए आपको इन ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
किसी भी शेप को जैसे भी आप यूज करना चाहें। अगर ऐसे ही आप अलग अलग ड्रा करेंगे तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग है, तो ये बाय डिफॉल्ट काफ़ी सारी शेप्स आपको दे देता है जो कोरल है, ठीक है। इसी तरह अगर नेक्स्ट शेप के ऊपर जाएं, ये स्माइलीज हैं, प्लस हैं, ये साइंस बने हुए हैं, ठीक है, तो काफ़ी सारी शेप्स हैं जो उनसे भी आप ड्रा करना चाहें वो कर सकते हैं। इसी तरह इसमें कलर फिल करना है कोई भी, वही टूल ले लें या डायरेक्ट इसमें फिलिंग कर लें, वो हो जाएगी। इसको साइड पे लें, ठीक है, ये डिफरेंट शेप्स हैं जो आप वन बाय वन ड्रा करके टेस्ट कर सकते हैं, या आपको डिज़ाइनिंग में कोई भी ज़रूरत हो किसी भी चीज़ की तो आपके माइंड में होना चाहिए कि ये चीज़ इधर पड़ी हुई है, इसका यूज़ कैसे करना है। और बहुत सारी हैं इधर, ये आप देखें, अगर ये भी है, ये इसी के ऊपर आए, ये खास लोगों के लिए होगी, अगर वो यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको डिलीट ही करते हैं, ये शेप्स हैं आपके पास, ठीक है। इस तरह जो से भी आप शेप ड्रा करना चाहें वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारे ऑप्शन दे रहे हैं, तो इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें इधर पड़ी हैं, इसका यूज़ कैसे करना है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे जाएं, तो स्माइलीज हैं, ये हैं, ये हैं, ये ऐसे जैसे भी आप इनको ड्रा करना चाहें, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये बैटरी सी, ये ऐसे कोई शेप नंबर प्लेट वगैरह होती है इस तरह की। अब ये करके इसके ऊपर अपना नाम लिख लें, कोई भी बैनर हेडर है वो आप बना सकते हैं इन शेप्स के थ्रू, ठीक है। ये क्लियर है सबको शेप्स का, ये इधर बनी बनाई पड़ी हुई है, बाई डिफ़ॉल्ट पड़ी हुई है, काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं इनके, वैल्यूज़, वेट, हाइट, एंगल्स चेंज करने, सब कुछ वो इधर आपके पास पड़ा है। ये मेहरून वाली शेप कौन सी है सर? ये वाली, ये नहीं, जी सर ये वाली, ये इधर ही पड़ी हुई है इसके अंदर, आप शेप्स में जाएं, ये इधर पड़ी हुई है, ये पड़ी है। ये आपकी हैं शेप्स, आप इनको ड्रा करके देख सकते हैं अलग अलग कैसे यूज़ है इनका, जौन सी भी आपको ज़रूरत पड़े वो आप कर सकते हैं। सर, हाँ जी सर, अगर हमने ये जैसे आपने बैनर टाइटल बनाया है तो इसमें सर अगर हमने स्मार्ट फिल टूल करके डिफरेंट इसके डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट कलर करना हो तो वो कैसे यूज़ करेंगे? तो इसको ये फर्स्ट वाला सर कोई भी आप शेप ले लें उसमें हमने उसके डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट कलर्स करना है। हाँ जी, ये एक आप शेप सेलेक्ट करें, इसमें हम सपोज यही ले लेते हैं, इसको मैं ड्रा करता हूँ ऐसे, तो इसको स्मार्ट शेप से कलर करते हैं अलग अलग, बिल्कुल स्मार्ट। पहले टूल सेलेक्ट करूँगा, ये ऊपर सबसे देखें कलर ये है, नीचे भी यही कर देते हैं, दो दो साइड पर कर लेते हैं कलर। अब कलर चेंज कर लें इसका, ठीक है, ये साइडों पे कलर, साइड्स दोनों कलर कर लें, जो इनर कलर है वो कोई और रखना है वो चेंज कर लें आप, इधर आके सिलेक्ट कर दें, इस तरह आप चेंज कर सकते हैं जो सा भी कलर आप करना चाहें। स्मार्ट सर, अगर एक बार में जैसे कि आपने ये किया है, एक बार में हमने दो कलर करने हो तो फिर उसमें क्या मतलब कोई लाइन वगैरह लगा के फिर उस स्मार्ट फिल टूल यूज करेंगे? नहीं, एक बार में दो करने हैं तो ये दो किए थे ना सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि स्मार्ट फिल टूल वो एक पूरे बॉक्स को कलर कर देता है ना? हाँ जी, पूरे बॉक्स को करेगा। तो हम सर अगर हमने उसी बॉक्स में दो तीन कलर्स करने हो तो वो कैसे? वो उसको अलग करना पड़ेगा बॉक्स को, मतलब सेपरेट मार्किंग करनी पड़ेगी ना उसमें?
सेपरेट कर लें, उसमें ड्रा कर लें दो बॉक्स के अंदर, एक और करना है थर्ड ऐड या कोई शेप ऐड करनी है वो ऐड कर लें आप, उसको सेपरेट करें उसके बाद होगा। इसे तो नहीं पता कि आपने मतलब किस तरह करना है, ये तो एज एक ही ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगा और उसमें कलर फिल कर देगा। जी सर, एक दफ़ा आप डेमो दे देते तो बेहतर था। 2020 में ऑप्शन है वो, आप मतलब एक ब्लॉक के अंदर आपने दूसरा कलर ऐड करना है तो वो शेड के साथ मिलके वो एक कलर ऐड हो जाता है। चले वो अगर 2020 में है, नहीं है तो हम इधर से भी कर सकते हैं। वही तो ठीक है। मेरे सॉफ्टवेयर में ये चीज नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है डिफरेंट शेप्स का, सिर्फ ट्रायंगल रेक्टेंगल और पॉलीगॉन का है। ये नीचे है ना आपके पास, ये इधर आए आप। अच्छा दानियल, आपके क्वेश्चन का जो है ना वो भी आंसर करते हैं, कैसे ड्रा करनी है अलग अलग, वो आपको पार्टीशन ही करनी पड़ेगी जिस तरह पहले वो आप मर्ज कर रहे थे, कंबाइन कर रहे थे चीज़ों को, इस तरह ब्लॉक अलग अलग कर ले और उनको कलर कर दें। जैसे अभी पहले हमने ड्रा किया था इधर से, ये वाला चार्ट था ड्रा किया, ग्राफ पेपर, उसमें अलग अलग करके देखे हैं तो वो वर्किंग कर रहा था सर। वो भी मैं कह रहा था, उसके मतलब हम पार्टीशन कैसे करेंगे, पार्टीशन मतलब सिंपल लाइन, टू पॉइंट लाइन ड्रा कर देंगे, उसमें टू पॉइंट लाइन ड्रा कर देंगे वो अलग अलग हो जाएगी, करके देखें अभी अगर नहीं हो रही तो बताएं। टू पॉइंट लाइन से हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा उससे। ये सेपरेट किया सर, ये सिलेक्ट कैसे किया सर, मेरा तो एक ही दफा में पूरा फिल हो रहा है। ये मैंने सिलेक्ट नहीं किया, बस इधर से कलर जो है आपका स्मार्ट फिल टूल वो सिलेक्ट किया और इधर जाके एक बार क्लिक कर दिया जिधर कलर करना है, वो पूरा बॉक्स ही उठाएगा उसमें कलर फिल कर देगा। ये सेकंड पे गया हूँ, इधर गया हूँ, कलर फिल कर दूंगा। ठीक है जी सर। एक्सक्यूज मी सर। जी हो गया। हाँ जी सर, अब्दुल नाम बात कर रहा हूँ सर। वो ये स्मार्ट फिल टूल है हमारा नहीं, मेरा नहीं आ रहा, प्लीज ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दें मेरी, ये बाहर नहीं आ रहा, उधर से चेक किया हुआ है लेकिन बाहर नहीं शो हो रहा। वो जो कलर फिल है ना उसके ऊपर क्लिक करके रखें, फिर वो ऑप्शन आ रही है। वो एक के अंदर ही होंगे तीन चार कलर, उधर से देखें। जी सर इंटरैक्टिव में है सर। जी हो गया मनान, सही हो गया सबके। किसकी शेप्स नहीं शो हो रही इधर सर, ये शेप्स कहाँ से देखा है सर? वो भी शेप्स इधर पड़ी हुई हैं बाय डिफॉल्ट मारूफ। ये मैंने एक शेप की थी ड्रा, बेसिक शेप्स, ठीक है, इसमें से कोई भी करते हैं, ये आगे हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं काफ़ी सारी, तो उनको आप कर सकते हैं। ठीक है जी सर। ठीक है, वर्किंग कर रहा है। हो गया जी सर, हो गया। वो पॉइंट लाइन ड्रॉ करके आप किसी भी डिफरेंट कलर्स कर सकते हैं। ये इस तरह एक लाइन ड्रॉ की फ्री हैंड टूल से, उसके बाद कौन सा कलर आप करना चाहें तो एग्जैक्टली सर ऐसे ही। अच्छा ये यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, तो आगे चलें। शेडिंग कलर्स तो नहीं हो सकते ना? जी सर हो गया। सर ये अगर हम लाइन लगा के करेंगे तो इसमें शेड्स तो नहीं हो सकते, कलर शेडिंग कैसे हो सकती है फिर इसमें? शेड्स कैसे सर? जैसे ये तो लाइन लगा के तो एक पोर्शन फिल कर दिया ना, अगर एक कलर्स में थोड़े से कलर जैसे मिक्स हुए हुए होते हैं और थोड़े मतलब ग्रीन से येलो हो रहा है तो सेंटर में ग्रीन और येलो के सेंटर में शेडेड होता है, ग्रेडिएंट कलर है तो वो भी हो जाएगा। अगर ग्रेडिएंट की तरफ जाएंगे तो वो बताएंगे कैसे ग्रेडिएंट करना। अभी ये सिंपल कलर से ही कर सर। ये जो आपने कलर के ये बता दें तो कौन सा कलर दिया? ये जो शेप में सर हाफ किया हुआ था कलर, वो बोला
वो वैसे लाइन ड्रा की थी एक, कोई भी शेप ले लें आप, यही वाली इसमें फ्री हैंड टूल से मैंने पॉइंट लगाए हैं दो, ठीक है ये आपके पास आ रहा था, इधर से इसको अलग कर दें लाइन लगा कर, ठीक है पहले तो एक ही कलर था, इसको खत्म करें, इस तरह शेप पड़ी हुई थी आपके पास, टूल सेलेक्ट किया, ये जो है आपका स्मार्ट फिल टूल वो सिलेक्ट किया, फिर कलर चेंज कर लिया जो सा भी करना, ठीक है हो गया और आगे आगे पेस्ट कर दिया, इस तरह आप कलर कर सकते हैं। हाँ जी ये मुझे समझ नहीं आया ये शेप्स, क्योंकि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था अभी कनेक्ट हुआ। हाँ शेप्स की नहीं समझ आई, कौन सी शेप की नहीं आई समझ? सर आपने स्टार्ट करवाया और डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी दोबारा कनेक्ट हुआ है, लाइट चली गई थी इसलिए। अच्छा ये शेप्स है हमारे पास, ये बेसिक शेप लिखा हुआ, बेसिक शेप्स, ठीक है इधर आए थे हम, इधर से शेप सेलेक्ट की तो हमें इसने बाय डिफॉल्ट जो है ना काफ़ी सारी शेप्स दे रही कि आपको ड्रा करने की ज़रूरत ना पड़े, कहीं डिज़ाइनिंग में आपको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए तो इधर से आप उठा सकते हैं, ठीक है। ये हमने इधर से कोई भी शेप ली थी, उसको कलर करके देखा, फिल करके देखा, अलग अलग यूज़ किया, जिस तरह अगर ये ही हम शेप ले लेते हैं, इसको ये सिंपल शेप थी, फिर इसमें अलग अलग अगर कलर भी करना पड़ जाए वो कैसे करना है, इधर से हम स्मार्ट फिल तो सिलेक्ट किया, ठीक है इसके ऊपर क्लिक किया, कलर फिल किया, ठीक है। तो ये स्मार्ट फिल की जगह पे इंटरेक्टिव फिल टूल आ रहा है, ये स्मार्ट फिल नहीं आ रहा। वो आपका 2020 तो में उधर इसी के अंदर ऑप्शन होंगे, क्या आ रहा है आपके पास सर? इंटरेक्टिव वाला है, और जब मैं टूल बार को फाइल में टूल बार रीसेट किया तो उसमें भी वो उधर से चेक है लेकिन बाहर नहीं है। ये नीचे जो एरोज आ रहे हैं ना दो, इनके ऊपर क्लिक करें वो बाहर आ जाएंगे। इधर इसकी मेन्यू की सेटिंग भी होगी कहीं, इसका स्मॉल साइज कर दें सारे शो हो जाएंगे, ये साइज थोड़ा लार्ज होगा इस वजह से सारे पूरे शो नहीं हो रहे इधर, ठीक है। सर स्मॉल साइज सेटिंग कैसे होगी? वो देखें इधर कहीं होगी, अब मुझे भी याद नहीं है किधर। ओके कस्टमाइज में वर्क स्पेस ये आई थिंक पड़ी हुई है, टूल बार डिफॉल्ट बटन साइज ये लिखे हुए हैं, अगर इसको मीडियम करके देखो। जी सर। हाँ जी ये थोड़ी और जी करना है सर, और करना है अभी कितने करने हैं सर? ज्यादा हो गए नहीं सर, वो मैं इसलिए कह रहा था कि 6 बजे तक कितने हो सकते हैं काइंडली वही करवा देते। अच्छा ठीक है ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है तो आगे चलते हैं, वही शेप है नीचे कोई शेप देखते हैं, ये एरो शेप है जिस तरह, चलो नई विंडो ले लेते हैं एक। शेप्स में गए, ये आपके पास एरो शेप आ रहा है उसको क्लिक करें, उसको जैसे मर्जी जैसा भी एरो बनाना चाहें आप, ठीक है
आपकी प्रेजेंटेशन में इस तरह की चीज़ें लगी होती हैं, वर्ड में भी बाय डिफ़ॉल्ट पड़े होते हैं और पीपीटी में भी, तो इस तरह वही सेम चीज़ें अगर इसके ऊपर जाएं आप तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, कोई तकरीबन 20-25 आपको नज़र आएंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट इसने दिए हुए हैं, ये टॉप एरो है, ये इस तरह के, ठीक है, इस तरह नीचे की तरफ देखें, ये चीज़ें आपने अक्सर देखी होंगी डिज़ाइनिंग में पड़ी होती हैं यूज़ हुई। इस तरह कलर फिल में जाएं, इसको कोई भी कलर कर दें, इसको कर दें, एक्सक्यूज मी सर, डार्क कर दें, स्क्रीन तो सब कोई भी है, स्क्रीन शेयर ही है जी जी, इंटरनेट का कोई इशू होगा, स्क्रीन शेयर ही है, इंटरनेट का कोई होगा इशू, इंटरनेट का कोई इशू होगा, स्क्रीन तो शेयर ही है, ठीक है। तो इस तरह ये शेप्स आप डिफरेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये काफ़ी सारी शेप्स हैं इधर, इनमें आए जो सी भी आपको चाहिए वो इधर से आप सिलेक्ट कर लें, अगर खुद से ड्रा करना चाहें खुद भी कर सकते हैं आप, ये पहले रेक्टेंगल लें फिर इस तरह लाइन लें ऊपर ये शेप ड्रा करें, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है, तो इसलिए आप अगर बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करना चाहें तो वो इधर से आप क्विकली यूज़ कर सकते हैं, तो आपको चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि किधर से कौन सी चीज़ यूज़ करनी है और कैसे करनी है, ठीक है। फिर इधर जाएँ तो इसी भी देख लें, ये यार इसको कलर करना चाहें कोई कलर कर लें, फिर इधर शेप में जाएं, ये भी है इस तरह की चीज़ें, इनको कोई कलर कर दें, ये वाली चीज़ ठीक है, इनकी विड्थ हाइट कंट्रोल करनी हो वो इधर से ऊपर आपके जो मेन्यू नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको करना ज़्यादा करना हो वो कैसे करना है, कम कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये लॉक कर देंगे तो एक एक लॉक देंगे तो सारी इकट्ठी होंगी, लॉक ओपन करेंगे तो एक ही होगी ओपन, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अभी नहीं होगी, अच्छा इनकी डायरेक्शन चेंज करनी हो आपने वर्टिकली हॉरिजॉन्टली वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, इधर से एंगल कोई इसको देना हो आपने वो दे सकते हैं, 70 पे रोटेट करना हो जिधर वो कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं चेंज करके, तो ये डिफरेंट सेटिंग है इसकी, पोजीशन चेंज करनी है तो ये आ रही है, ये पहले भी आपने चीज़ें देखी हुई हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसकी बॉर्डर जो है वो लगाना हो कोई सा भी वो लगा सकते हैं, उसका कलर चेंज करना हो वो कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है सबको शेप्स का? जी सर क्लियर है। तो अभी हो रही है तो अभी ये जान के बाद स्टार्ट करते हैं, या काफ़ी है आज के लिए इतना? काफ़ी है सर। सर ये काफ़ी है, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। जी सर ये काफ़ी है, इनफ है सर, इतना ही। ठीक है सर, एक मैंने पूछना था कि अगर हम इलस्ट्रेटर में क्रॉप करें कोई चीज़ और उस पर कोई चीज़ मतलब हम जो चीज़ क्रॉप कर रहे हैं उस पर जैसे कोई लाइन या कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है हम उसको रेज करना चाहें मतलब वो कैसे होगी? खत्म करना चाहें ऐसे लिखी हुई है वो जी, हम क्रॉप कर रहे हैं और स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको भी खत्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर तो वो ऐसे ही लेज में नहीं लिखा हुआ वो आपके
सर हमने बाहर से पिक्चर ली है एक और उसमें से हमने वो चीज डिलीट करनी है और एक उसको क्रॉप करना है। वो सच किसी भी टूल के अंदर डायरेक्ट रिमूव करने का ऑप्शन नहीं होता, फोटोशॉप के अंदर है ऑप्शन जो है ना, आप स्टैम्प कर सकते हैं उस चीज़ को, कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड वाला जो वर्ड मार्क वगैरह लगे होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, ऐसा डायरेक्ट जो है उसको रिमूव नहीं आप कर सकते क्योंकि वो तो पहले इमेज बना हुआ आपके पास जी। तो उसको फोटोशॉप में डाल के स्टैम्प क्लोन इस तरह के ऑप्शन हैं उधर, उनसे आप उसको कर सकते हैं या कलर फिल कर सकते हैं बैकग्राउंड के साथ। जब हम फोटोशॉप करेंगे तब होगा। हाँ जी उधर वो देख लेंगे चीजें, उधर से कर लेंगे, ऐसे डायरेक्ट इसको रिमूव करने का कोई मेथड नहीं है। पीएनजी फाइल में से भी हम रिमूव कर सकते हैं। हाँ जी पीएनजी भी फाइल में रिमूव कर सकते हैं, वो रिमूव ऐसे नहीं बस उठा के साइड पे कर दें, उसको बैकग्राउंड वाला कलर मैच कर देते हैं जिस तरह के बैकग्राउंड पे कलर नजर आ रहे हो, मतलब वो आपको ऐसे ही लगता है कि रिमूव हो गया, लेकिन ऐसे डायरेक्ट उसकी रिमूव नहीं कर सकते आप। अगर सोर्स फाइल होगी तो फिर तो बहुत ही। हाँ फिर तो लेयर आप डिलीट कर दें, उठा के साइड पे कर दें, फिर तो हो जाएगा डिलीट कर दें। अगर सोर्स फाइल नहीं है तो फिर ऐसे ही आपको करना पड़ता है। चलें ये आज लेक्चर इतना ही था, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें ठीक है, तो कल जो है बाकी शेप्स जितनी भी रह गई हैं उनके भी डिफरेंट यूजेज वो कल देख लेंगे और साथ में इसकी एक्सरसाइज भी कर लेंगे ड्यूरिंग क्लास। जी एक्सक्यूज मी सर, आप कह रहे थे क्लास से जो है उसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे आप। हाँ जी अभी कौन है जी इधर, अपना नाम बताएं। बुशरा मतीन बात कर रहे हैं। बुशरा मतीन ठीक है, आपको आपने याद करवा दिया, मैं रिकॉर्डिंग जो आज वाली पहले शेयर कर देता हूँ। ठीक है थैंक यू सर। मैंने कॉपी कर दूँ। और सर तो एलएमएस वाला क्या चक्कर है, वो क्या सीन है, वो तो थोड़ा सा बता देते। हाँ जी एलएमएस वो मैंने ओपन किया हुआ है, उस पर ना आपको भी शायद मेल आ जाए, आपकी फाइनल लिस्ट जो अगर अपलोड करने लगा था तो आपको मेल उसकी मिल जाती है। फंक्शनैलिटी उसकी ये है कि हम जो भी एक्टिविटी वगैरह करेंगे असाइनमेंट क्लास का मटेरियल वो उधर से हम देख सकते हैं, वो शेयर्ड होगा, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है। जिस तरह अगर टीम की बात करें इसमें सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, मटेरियल अपलोड करना होगा। हमारा सर एलएमएस बनेगा, तो एलएमएस बना हुआ है वो आप लोगों की ये ईमेल से ही आप होंगे लोग, जो आपको लिंक आएगा ईमेल पे उधर से आप लॉगिन हो जाएं। अगर पासवर्ड नहीं लगता आपका पासवर्ड अगर ना हुआ तो फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिएगा कोई सा भी, तो वो आपको पासवर्ड मिल जाएगा, उधर से आप लॉगिन कर लें तो सारी चीज़ें आप उधर से डिस्कस कर सकते हैं, असाइनमेंट वगैरह उधर ही शेयर अपलोड सब कुछ उधर ही होगा। सर ये वीडियो भी मिलेगा? हाँ जी लेक्चर की वीडियो मिलेंगी सर एलएमएस सब कुछ, लेक्चर की वीडियो कर देता हूँ इधर। ये कब तक मिलेगा हमें सर? ये आपको अभी मेल आ जाती है, बस थोड़ी सी रहेगी, आपके रोल नंबर साइन कर रहा हूँ सबको, तो ये मैं अभी अपलोड करने लगा हूँ, फिर आपको मेल आ जाती है, उधर से आप लॉगिन कर लें ठीक है। तो अटेंडेंस भी उधर ही हुआ करेगी ठीक है आप लोगों की। तो अभी क्लास का जो था टाइम, क्लास चल रही है, आप लोग प्रैक्टिस करें इसकी, 6:30 तक मैं हूँ उधर। तो जो हमने आज कवर किया उससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के तो वो आप कवर कर लें, आप प्रैक्टिस करें, मजीद नहीं पढ़ेंगे, जितना किया उसकी प्रैक्टिस करें ठीक है।